नमस्कार, मैं हूं मुकेश कुमार। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने विधिज्ञ के प्लेटफॉर्म पर। दैट इज सिचुएटेड एट गीता भुवन स्क्वायर एंड इन नतुल सिठार, राइट। एंड इन दिस पर्टिकुलर सेशन वी विल हैव द डिस्कशन ऑन द न्यू पर्टिकुलर काइंड ऑफ इनैक्टमेंट, दैट इज नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम 2008 पर आज हम लोग कुछ डिस्कशन करेंगे, राइट, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर द पर्पज ऑफ योर एग्जामिनेशन एज टू मध्य प्रदेश एडीपीओ एग्जाम, राइट। गुड इवनिंग विवेक। सो इन दिस पर्टिकुलर सेशन वी विल हैव द डिस्कशन एंड इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, बट बिफोर गोइंग इन टू इन डेप्थ ऑफ द सब्जेक्ट, we will have some discussion on the specific parts as to the your strategy and planning of the examination, right, within 5 minutes. 5 minute mein aap log isko samajh lenge. तो MPADPO के एग्जाम में जैसा कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से इस बात से वाकिफ हैं कि यहाँ पर इस सेक्शन को दो भागों में विभक्त कर दिया गया है ना। पहले सेक्शन में आपने देखा कि जीके यानी करंट अफेयर और मध्य प्रदेश का कुछ स्टैटिक पार्ट, नेशनल प्लस इंटरनेशनल, ये सारी चीजों को कवर करता हुआ कुछ पोर्शन आपसे पूछा जाएगा। गुड इवनिंग सुरभि, हेलो लवेश। So in this particular part you will have the syllabus as to the general knowledge and current affairs, jo lagbhag 50 marks ka aapse question aapse pucha jayega with negative marking of 1/3. Again in the second part, that is law portion mein aapko ye baat malum hogi ki lagbhag 29 subjects aapse law ke portion puche jayenge. What are you saying Surbhi? There is a disturbance in audio. I'm asking to my technical team. Is it now good to go? अभी आप सभी को आवाज ठीक तरीके से संप्रेषित हो रही है? Okay. Okay then, moving on. So I was talking about ki there are 29 law subjects that are coming in the second part of the syllabus of your MPADPO exam, right? In that particular 29 law subjects, it is one of them, National Investigating Agency Act. अभी तक हम लोग जो अपना ये portion cover up कर रहे हैं, जिसमें आपको लगभग इस पूरे next month तक, जब तक आपका examination हो रहा हो, उसके पहले तक हम लोग कोशिश करेंगे कुछ minor subject आपके यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्कस हो रहे हैं, प्लस उसमें आप कुछ ना कुछ प्रैक्टिस भी कर पाए, राइट। तो बिफोर वेस्टिंग द टाइम, जस्ट कम एंड सी द चार्ट, राइट। सो इन द फर्स्ट स्लाइड दैट यू कैन सी, व्हेन यू फोकस ऑन व्हाट यू वांट, एवरीथिंग एल्स फॉल्स अवे। सो वी नो दिस पर्टिकुलर कोट वेरी वेल, लेकिन क्या हम इसे सही तरीके से अपने जीवन में प्रवर्तित भी करा पाते हैं, ये बड़ा प्रश्न है ना। तो कोशिश करिए कि आप जिस भी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं, है ना, उस एग्जामिनेशन में आप थोड़ा सा फोकस्ड हो करके इस प्रकार के एग्जामिनेशन की तैयारी करें, है ना। जब तक अपने लक्ष्य के प्रति संकेंद्रण नहीं होगा, तब तक अपने लक्ष्य से दूरी होती जाएगी, राइट। सो प्लीज 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 बी फोकस्ड ऑन द एम, on the laksh that you have made, right? That is very much required. ठीक है प्रियंका, सुगंधा, सभी, आप सभी का स्वागत है। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। वॉइस इज नॉट क्लियर, व्हाट हैपेंड? अभी ठीक है? प्रियंका, सुगंधा, विवेक, सुरभि, लवेश, वॉइस इज क्लियर? सो वी कैन मूव ऑन। चलिए, सो दीज आर सर्टेन पॉइंट्स दैट वी विल डिस्कस, है ना। तो आज के सेशन में हम लोग क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं, वो चीजें यहां पर लिखी हुई हैं और आपको ये बातें यहां से दर्शित हो जाएंगी, ठीक है। तो इसमें हम इस पर्टिकुलर एक्ट के संदर्भ में कुछ ओवरव्यू लेंगे,
कि हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर, राइट, कितने चैप्टर्स में विभक्त किया गया है, डिवाइड है, कितने प्रोविजंस इसमें इंसर्ट किए गए हैं, कितने सेक्शंस हैं, इन टोटो शेड्यूल में क्या चीजें इंसर्ट की गई हैं, एक्ट नंबर क्या है ना, और कब इसमें प्रेसिडेंट की असेंबली कब ये एनफोर्स हुआ, ये सारी चीजें, कुछ स्पेसिफिक चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है जो आप सबको बहुत अच्छे से ध्यातव्य हो जानी चाहिए कि आप किस पर्पज से इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में उतर रहे हैं या तैयारी में लगे हुए हैं, राइट। चूंकि आपको इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में दो फेज से गुजरना है, पहला फेज जो आपका 5th ऑफ दिसंबर, जो अभी एक एक्सपेक्टेड काइंड ऑफ डेट है ना, अभी जो इस पर एग्जामिनेशन होना है, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे क्वेश्चन पूछे जाने हैं, एमसीक्यूज क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो उस पर्पज से आप किस प्रकार से इस प्रकार के नए कानून को तैयार करेंगे। मैं क्यों कह रहा हूं नया कानून, नया कानून इस सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो सिलेबस आपको मध्य प्रदेश एडिशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के तौर पर यहां मेंशन किया जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर जो सिलेबस में चीजें इंक्लूड की गई हैं, उस पर्पज से तो सब्जेक्ट नए ही हैं, है ना। तो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आप किस रूप में पढ़ेंगे, आप इसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, इंपॉर्टेंट की टर्म्स को अंडरलाइन करते हुए पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग बहुत क्विकली थोड़ा स्पीड में चलेंगे, है ना, ताकि एक निर्धारित समय में हम लोग इन चीजों को कंप्लीट भी कर सकें। तो सबसे पहले हम लोग इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत खास, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो आपकी नॉलेज में होने ही चाहिए, ठीक है। और क्या एक डेफिनेट मेथड हो सकता है जिससे आप किसी भी पर्टिकुलर लॉ को कुछ ज्यादा समय तक, कुछ ज्यादा देर तक अपने दिलो दिमाग पर उसे बैठा करके रख पाए, राइट। दैट इज द बेसिक ऑब्जेक्ट, राइट। अनदर पर्टिकुलर थिंग इन द लास्ट, वी विल ट्राई कि हम इस पर कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। तो ऐसे कुछ चीजें हम लोग यहां डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये राइज होता है कि नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का जो ये नया कानून था 2008 में इनैक्ट किया हुआ और एनफोर्स किया हुआ, आखिरकार इस पर्टिकुलर कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी और इसकी क्या जरूरत थी, क्या नीड थी, राइट। तो एज यू ऑल आर वेरी मच वेल अवेयर अबाउट दिस थिंग कि जिस समय 2008 में मुंबई में टेरर अटैक हुआ है ना, तो उस पर्टिकुलर अटैक के बाद यूपीए गवर्नमेंट उस समय एग्जिस्टेंस में थी और यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा ये इस पर्टिकुलर एक्ट को, यानी नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एक्ट का इनएक्टमेंट किया जाता है 2008 में, और यह पर्टिकुलर लॉ 31st ऑफ दिसंबर 2008 में ही प्रेसिडेंट के एसेंट के साथ एनफोर्स हो जाता है, प्रवर्तन में आ जाता है, राइट। दिस इज वन इंपॉर्टेंट थिंग। अब इसके स्पेसिफिक गोल्स क्या थे, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स क्या थे, अगर हम इसके सही रूप में इसके उद्देश्य को जानना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है आपको अगर आपके पास बेरेट की उपलब्धता हो तो आप उसमें से देखिए कि जो प्रियम्बल इसमें लिखा गया है ना, जो इसकी जिसका उद्देशिका लिखी गई है, जो कहता है, मैं एक बार रीड कर देता हूं, एन एक्ट, आप चाहें तो इसको यहां से भी देख सकते हैं। गुड इवनिंग वेंकटेश। An act to constitute an investigation agency at the national level to investigate and prosecute offences affecting the sovereignty, security, integrity of India, security of state, friendly relations with foreign states and offences under the acts. तो क्या ये प्रियम्बल, ये उद्देशिका इस बात को स्पष्ट कर पा रही है कि आखिरकार इस एक्ट के इनेक्टमेंट का, इसकी अधिनियमिति का आखिरकार उद्देश्य क्या था? जी हाँ। तो इससे पहली चीज स्पष्ट हो जाती है, ऑब्जेक्ट, उद्देश्य। दूसरा क्या स्पष्ट हो जा रहा है, दूसरी चीजें स्पष्ट हो जा रही हैं कि क्या ये पर्टिकुलर पॉइंट आपके प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपके उस एग्जामिनेशन में उद्देशिका को लेकर के या प्रियम्बल को लेकर के कुछ प्रश्न बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। आपको यहां पर इस पॉइंट को नोट करना चाहिए और अपने नोटबुक में मेंशन करना चाहिए। सो बेसिकली एज यू कैन सी दैट द बेसिक प्रियम्बल ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट इज टू इन्वेस्टिगेट एट द नेशनल लेवल, राष्ट्रीय लेवल पर इस प्रकार की एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का क्रिएशन इसलिए किया जा रहा है ताकि कुछ इस प्रकार के मैटर्स को इन्वेस्टिगेट किया जा सके और उनका प्रोसिक्यूशन किया जा सके। अन्वेषण और प्रोसिक्यूशन, अभियोजन, ये दोनों बातें यहां शामिल है, इस बात को ध्यान रखना, इस पर क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। गुड इवनिंग निधि। तो इस दोनों पॉइंट पर क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना, राइट, कि यहां पर क्रिएट किए जाने वाले नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का जो प्रॉपर ऑब्जेक्ट है वह टू इन्वेस्टिगेट और एंड टू प्रोसिक्यूट, प्रोसिक्यूट यानी अन्वेषण और अभियोजन दोनों चीजें यहां पर इंक्लूड हैं, अंतर्वलित हैं। फर्दर, अफेक्टिंग द सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी, इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, इसे आप कुछ इस रूप में भी लिख लीजिए तो कुछ गलत नहीं होगा, है ना। ISSS क्या, सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी और इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया प्लस स्टेट, तो भारत और भारत के अंदर के राज्यों की सुरक्षा,
भारत की सुरक्षा, भारत की अखंडता, भारत की संप्रभुता, अगर इन पर्टिकुलर चीजों को अफेक्ट करने वाली किसी भी प्रकार का कोई ऑफेंस कमिट किया जाता है, अपराध कमिट किया जाता है, तो यहां पर नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास इस प्रकार की शक्तियां यह अधिनियम, यह एक्ट प्रोवाइड कर रही है कि वो इस प्रकार के मैटर्स को इन्वेस्टिगेट कर सकती है और उनका प्रोसिक्यूशन करवा सकती है, अभियोजन करा सकती है। उन पर्टिकुलर मैटर्स को भी इंक्लूड कर रहा है जहां पर भारत के यानी इंडिया का किसी दूसरे पर्टिकुलर फॉरेन कंट्री के साथ कुछ फ्रेंडली रिलेशन है, मित्रतापूर्ण कुछ संबंध है, उन राज्यों पर इस प्रकार का अपराध अगर कमिट किया जाता है तो इस प्रकार की चीजों को यहां पर इंक्लूड करने का प्रयास किया गया है। तो यहां पर आपने देखा कि एक ऐसी नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, एक ऐसी राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण जो इस प्रकार के मैटर्स को इन्वेस्टिगेट करने और उनके प्रोसिक्यूशन को लेकर के यहां पर चीजों को उनकी उद्देश्यता को दर्शित कर रहा है। ठीक है, तो प्रियम्बल के अंतर्गत आप दो चीजें स्पेसिफाई करिए। पहला बेसिक ऑब्जेक्ट जो उनका आधारभूत उद्देश्य इस प्रकार के अधिनियमिति का, इस प्रकार के इनैक्टमेंट का, और साथ ही साथ आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा इंपॉर्टेंट कीवर्ड या इंपॉर्टेंट की टर्म इंपॉर्टेंट हो सकता है, महत्वपूर्ण हो सकता है। मूव करते हैं थोड़ा आगे, इससे दो बातें आपको और स्पष्ट हो जानी चाहिए कि टू एग्जीक्यूट इन डेप्थ प्रोफेशनल काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ शेड्यूल्ड ऑफेंसेस, क्योंकि मैं बार बार नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का नाम ले रहा हूं। नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी किस प्रकार ऑफेंसेस के लिए इन्वेस्टिगेशन का कार्य करेंगी और उनके प्रोसिक्यूशन का एक्शन परफॉर्म करेंगी, ये बात कहां से तय होगी? तो ये पर्टिकुलर फैक्ट तय होता है इसमें अपेंडेड शेड्यूल से। तो इसमें जुड़ी हुई एक अनुसूची है, एक शेड्यूल है, जैसा कि आप इस फर्स्ट स्लाइड में देख पा रहे थे कि इट इज कंटेनिंग ऑफ टोटल 5 चैप्टर्स, टोटल 26 सेक्शंस एंड अ पर्टिकुलर शेड्यूल। तो इसी पर्टिकुलर शेड्यूल में कुछ शेड्यूल्ड ऑफेंसेस हैं, यहां बताया गया है, एक लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस की कैटेगरी प्रोवाइड की गई है कि किस प्रकार के या किन प्रकार के ऑफेंसेस के संदर्भ में एनआईए इन्वेस्टिगेशन का एक्ट करेगी, एनआईए उनके प्रोसिक्यूशन का एक्ट करेगी। ठीक है, तो कौन सी वो लिस्ट है, वो शेड्यूल में अपेंडेड है, जो आपको ध्यान रखनी है। मैं आगे बढ़ूं इस पर्टिकुलर लॉ के अंतर्गत, आपको एक फैक्ट और क्लियर कर देता हूं जिसे आपको बहुत ध्यान से समझना है कि इस पर्टिकुलर लॉ के अंतर्गत यानी एनआईए एक्ट के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है कि यहां पर 2019 में रिसेंटली 2019 में कुछ मेजर अमेंडमेंट्स हुए हैं, राइट, कुछ निर्धारित संशोधन की प्रक्रिया की गई है। हालांकि इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यह भी है, अब ये पॉलिटिकली एक्टिवेटेड है या कोई और पर्टिकुलर कारण है उस पर कभी और बातें करेंगे, लेकिन काम की बात सिर्फ इतनी है कि इस किए गए संशोधन में जो अभी हाल फिलहाल 2019 में अमेंडमेंट किया गया है और एक मेजर अमेंडमेंट किया गया है, उसका बहुत ज्यादा अपोजिशन भी हुआ है, उसका बहुत ज्यादा विरोध भी हुआ है, जो कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा बेसिकली किया गया है। ठीक है, जिस पर कुछ पिटीशन भी फाइल की गई है, जो मेजर पोर्शन इस पर्टिकुलर लॉ का एक 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 आत्मा, एक स्पिरिट कही जा सकती है, कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर चीज को तब्दील करने का प्रयास किया गया है, चेंज करने का प्रयास किया गया है, ऑल्टर करने का प्रयास किया गया है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, इस प्रकार के कुछ आरोप लगाए गए। पीएल पुनिया साहब के द्वारा एक पिटीशन भी फाइल की गई। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट अगेन फॉर योर एग्जामिनेशन, एक्ट नंबर 34/2008 का 34वां अधिनियम संख्यांक कहा जाएगा, ऐसा आपके बेयर एक्ट में ही मेंशन किया गया है। प्रेसिडेंट की एसेंट प्लस इन्फोर्समेंट डेट 31 December 2008, भूलना नहीं, ये बात ध्यान रखना। अब टोटल सेक्शंस जो कि 26 हैं, इन 26 सेक्शंस में आपको कितनी ऐसी चीजें हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हैं? अब अगर नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, क्योंकि हमें किसी भी पर्टिकुलर लॉ को समझने के लिए उसके बेसिक स्ट्रक्चर को समझना है, उसका सही ढांचा अगर आपने समझ लिया, उसका स्ट्रक्चर समझ लिया, तो आपने काफी कुछ चीजें अपने आप क्लियर कर ली हैं। मतलब कहने का यह है कि यहां पर लगभग 26 सेक्शन दिखाई पड़ रही है, 26 धाराएं हैं, 5 चैप्टर में डिवाइड किया गया है। तो आप समझिए कि अलग अलग चैप्टर्स में क्या क्या चीजें इंक्लूड की जा रही हैं। पहले कैटेगरी में प्रिलिमिनरी पार्ट क्या है, प्रारंभिक, देखिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, पांच ही चैप्टर है ना, देख लीजिए। फर्स्ट जो प्रिलिमिनरी है, सेकेंड जो एनआईए के एस्टैब्लिशमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन, उसके संगठन के बारे में है, थर्ड जो कि इन्वेस्टिगेशन के बारे में कुछ स्पेसिफिक प्रोविजन प्रोवाइड करता है, फोर्थ स्पेशल कोर्ट के बारे में कुछ प्रोविजन दर्शाता है, फिफ्थ जो मिसलेनियस है। बस ये पांच चैप्टर ही इसमें इंक्लूड किए गए हैं। पहले चैप्टर में जो कि प्रिलिमिनरी पोर्शन दर्शाता है,
प्रारंभिक चीजें बतलाता है, मींस जैसा कि आप किसी भी पर्टिकुलर एक्ट के स्ट्रक्चर में देखते हैं कि यहां पर शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट डेफिनेशनल प्रोविजंस कुछ इस प्रकार की चीजों से शुरुआत होती है, जो ये कोई नई बात मैं आपको नहीं बता रहा हूं, अगर आपने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूट का कानून पढ़ा है तो आप ये चीजें वहां से रिलेट कर सकते हैं। सेकंड पर्टिकुलर जो चैप्टर है इट इज बेसिकली रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पर्टिकुलर नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इटसेल्फ, राइट right? कौन इसका कॉन्स्टिट्यूशन करेगा, क्या इसकी स्पेसिफिक पावर्स होंगी, है ना, किस प्रकार की इन प्रकार की शक्तियों का ये अवधारण रखेंगे। फर्दर थर्ड चैप्टर बात करता है इन्वेस्टिगेशन के संदर्भ में, है ना, अन्वेषण के संदर्भ में, तो क्या इन्हें ऑर्डिनरी पुलिस ऑफिसर के रूप में सारी शक्तियां सारे पावर्स दिए गए हैं, कन्फर किए गए हैं, कुछ इस प्रकार के प्रावधान आप आगे पढ़ेंगे। फर्दर जो फोर्थ चैप्टर है इट इज कंटेनिंग द स्पेशल कोर्ट, स्पेशल कोर्ट भी थोड़ा सा एक विस्तारित फॉर्म है 2019 के संशोधन के बाद, 2019 के अमेंडमेंट के बाद, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो अमेंडमेंट लाया गया उस अमेंडमेंट के बाद 2019 में कुछ मेजर चेंजेस हुए और स्पेशल कोर्ट को दी जाने वाली ज्यूरिसडिक्शन और पावर्स में भी कुछ बदलाव किए गए हैं जो हम लोग अभी देखेंगे। तो स्पेशल कोर्ट आप चैप्टर 4 के अंतर्गत देखने वाले हैं। लास्ट चैप्टर आपका मिसलेनियस है, जैसा कि हर पर्टिकुलर लगभग लगभग जितने भी आपके एडीपीओ में शामिल होने वाले जो माइनर लॉज हैं उनमें आप कुछ चीजें बहुत कॉमनली पाते हैं। क्या पाते हैं कि उसमें अपॉइंट किए जाने वाली जो अथॉरिटीज हैं क्या उन्हें हम सेक्शन नंबर 21 आईपीसी के अंदर पब्लिक सर्वेंट मानेंगे या नहीं, कोई ना कोई एक सेक्शन इस प्रकार से कहीं ना कहीं आपको कॉमनली मिलेगी, लगभग लगभग कॉमनली मिलेगी। रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज का प्रोविजन आपको लगभग लगभग हर एक माइनर लॉज में कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलेगा। रूल मेकिंग पावर किसे है, सेंट्रल गवर्नमेंट को है, हाई कोर्ट को है या स्टेट गवर्नमेंट को है, इस प्रकार की कोई ना कोई एक पर्टिकुलर प्रोविजन आप वहां देखने को जरूर पाएंगे। अब डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है प्रोविजन अलग अलग जगहों पर मेंशन किया गया है, तो कहीं ना कहीं प्रारूप या फॉर्मेट एक जैसा ही है और कंफ्यूजन की स्थिति इसीलिए हो रही है क्योंकि हम अलग अलग पर्टिकुलर जितने भी अपने इनैक्टमेंट्स हैं, एक्ट्स हैं, अधिनियम हैं, उन सब में कहीं कहीं ये चीजें किसी न किसी प्रोविजन में देखने को पढ़ने को पाते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट टू नोट ये है कि मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी लोक सेवा आयोग के द्वारा इस प्रकार के जगहों पर से भी क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं, मतलब रूल मेकिंग पावर किसी पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर किसे है, किन अथॉरिटीज को है, यहां पर से भी क्वेश्चन फ्रेम हो चुके हैं। तो आप किसी भी कोने को जल्दी से छोड़ नहीं सकते, है ना, आप एक जनरल व्यू लीजिए, एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपके दिमाग पर होना चाहिए, आपके नोटबुक पर होना चाहिए। 29 लॉ सब्जेक्ट्स हैं तो आप उन 29 लॉ सब्जेक्ट्स में हर एक पर्टिकुलर जितने भी आपके एक्ट्स हैं उनके लिए कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेट बना करके रखें। जैसे हमने आपसे कहा शेड्यूल कितने, चैप्टर कितने, पार्ट कितने, सेक्शन कितने, एक्ट का नाम लिखिए और कम से कम इतनी चीजें वहां पर मेंशन करिए। इसके बाद उनमें जो 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 आपके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं उनको आपने पहले ही निर्धारित कर रखा है, मार्क कर रखा है, जो मिसलेनियस हैं हो सके तो उनको भी कहीं ना कहीं मार्क करके रखिए, क्योंकि अगर वहां से क्वेश्चन फ्रेम हो गया तो आप क्या करोगे, है ना, आंसर तो करना है, आंसर तब करोगे जब आप उस पर श्योर होगे या फिर आप एलिमिनेशन करने की स्टेज पर होगे। अगर एलिमिनेशन करने की भी स्टेज में नहीं हो तो क्वेश्चन छोड़कर आओगे। तो बेहतर यह है कि आप उन चीजों को एटलीस्ट एक नजर दो नजर देख करके जाएं। अगर इतना भी हम कर सके तो मेरी समझ ये कहती है कि आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की स्थिति में होंगे, है ना। तो उन चार ऑप्शंस में भी अगर आप दो को एलिमिनेट करने की स्थिति में है, तीन को एलिमिनेट करने की स्थिति में है अपने ज्ञान से तो आप अच्छी स्थिति में माने जा सकेंगे, तब आप ऐसे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकेंगे। जो आ रहे हैं वो तो करना ही है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जितना ज्यादा से ज्यादा आप स्कोरिंग कर सकें इस नेगेटिव मार्किंग की स्थिति में भी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग की स्थिति में भी जरूर करें। ऐसी भ्रांति मत पालना अपने दिमाग में कि मैं सिर्फ लॉ में अच्छा करूंगा या करूंगी, जीके से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अगर आप इस तरह की भावनाओं से अपने कंपटीशन को ले रहे हैं तो ये बहुत गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आप जितना समय अपने कानून की तैयारी में लगा रहे हैं, लॉ की तैयारी में लगा रहे हैं, उतना ही समय आपको अपने जीके और जीएस के पोर्शन को भी प्रिपेयर करने में लगाना चाहिए। चलिए, ये इतनी सारी बातें हम लोगों ने कर ली, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं वरना काम की बातें छूट जाएंगी। चलिए तो सेक्शन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रीलिमिनरी चैप्टर में देखिए, थोड़ा स्पीड से देखेंगे, है ना, इसलिए बने रहिए। चलिए, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड एप्लीकेशन। तो शॉर्ट टाइटल किसी भी पर्टिकुलर एक्ट की शुरुआत उसके शॉर्ट टाइटल से होती है, पहले सेक्शन में, पहली धारा में, है ना। तो शॉर्ट टाइटल क्या है, वही क्या एक्ट का नाम, ठीक है, द नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एक्ट 2008, ठीक है। फर्दर अब इसकी एप्लीकेबिलिटी देखिए, कहां तक इसका विस्तार है, कितना एक्सटेंशन है। तो सबसेक्शन 2 ये कहता है इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया, कहां, भारत के संपूर्ण परिक्षेत्र में इसका एप्लीकेशन है, ठीक है। सो इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया
एंड इट अप्लाइज ऑल्सो, और ये इन पर्टिकुलर चीजों पर भी, जगहों पर भी एप्लीकेबल होता है. कहां होता है? टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया आउटसाइड इंडिया. जो भारतीय नागरिक तो हैं, लेकिन भारतीय नागरिक होने के साथ साथ वो भारत के बाहर रहने की स्थिति में है. तो कुछ ऐसे, अगर इस प्रकार का कोई भी ऑफेंस किसी इंडियन सिटीजन के अगेंस्ट होता है जो कि भारत के बाहर है, उस केस में भी इस पर्टिकुलर एक्ट को अप्लाई करने का एक प्रयास देखा गया है. तो यहां पर इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, इट अप्लाइज ऑल्सो टू सिटीजन ऑफ इंडिया आउटसाइड इंडिया, इस बात को ध्यान रखना. तो भारतीय नागरिक जो भारत के बाहर रह रहे हैं, राइट, वहां पर भी इसका एप्लीकेशन है. नेक्स्ट, टू पर्सन इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट वेर एवर दे मे बी, सरकार की सेवा में व्यक्ति व्यक्ति जो भी वहां पर हो उन पर भी इसका एप्लीकेशन होगा. फॉर एज डिप्लोमैट्स, राजदूत, राजनयिक, अगर ऐसे पर्सन भी हैं तो उन पर भी इसका एप्लीकेशन है, राइट. नेक्स्ट, टू पर्सन ऑन शिप्स एंड एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेयर एवर दे मे बी, इस प्रकार का कुछ क्लॉज आप इंडियन पिनल कोड में भी देखते हैं, आईपीसी में भी देखते हैं. तो आईपीसी के अंतर्गत भी आप पाएंगे कि इस प्रकार का जो एक क्लॉज यहां पर लिखा हुआ है कि ऐसे व्यक्तियों पर भी इस पर्टिकुलर एक्ट का एप्लीकेशन है. ऑन शिप्स, ऑन एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेयर एवर दे मे बी, तो उस पर्टिकुलर सी एरिया में इस प्रकार का शिप जहां कहीं भी हो, है ना, और इस पर्टिकुलर शिप में कौन से शिप जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड है, भारत में ये रजिस्ट्रीकृत है, और इस पर किसी भी पर्सन के द्वारा, किसी भी व्यक्ति के द्वारा किस प्रकार का ऑफेंस कमिट किया जाता है, यहां पर भी एनआईए एक्ट का एप्लीकेशन देखा जा सकता है, राइट. एंड लास्ट, टू पर्सन हु कमिट अ शेड्यूल्ड ऑफेंस बियॉन्ड इंडिया अगेंस्ट द इंडियन सिटीजन आर अफेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया. ध्यान रखना, इसमें क्लॉज नंबर डी जोड़ा गया है, और ये पर्टिकुलर क्लॉज नंबर डी जुड़ा है आपके 2019 के अमेंडमेंट के बाद, 2019 के अमेंडमेंट के बाद, और ये अमेंडमेंट एनफोर्स हुआ है 2 अगस्त 2019 को ये पर्टिकुलर अमेंडमेंट एनफोर्स हो चुका है, प्रवर्तित हो चुका है. तो सेक्शन नंबर 1, सब सेक्शन नंबर 2, क्लॉज नंबर डी हैज बीन इंसर्टेड बाय द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 दैट हैज केम इनटू फोर्स ऑन 2 अगस्त 2019, 2 अगस्त 2019 को जो प्रवर्तित हुआ, राइट. क्या लिखा हुआ है? Persons who commit scheduled offence, जो अनुसूची में निर्धारित किए गए किसी प्रकार का अपराध कमिट करता है, ठीक है, बियॉन्ड इंडिया अगेंस्ट द इंडियन citizens, भारत से परे किसी भारतीय नागरिक के अगेंस्ट में, और अफेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, या भारत के हित के विरुद्ध में. अब यहां पर भी पिटीशन में एक पर्टिकुलर पॉइंट दाखिल किया गया है कि ऑफेंसेज विच आर अफेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, इट इज अनडिफाइंड, इसे परिभाषित किया ही नहीं गया है. तो आखिर सरकार या इस प्रकार की तत्कालीन सरकार क्या इस प्रकार के प्रोविजन का दुरुपयोग नहीं कर सकती? किसी भी पर्सन के राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को वॉयलेट नहीं कर सकती? या किसी भी पर्सन के ऊपर इस प्रकार के चार्ज आरोपित करते हुए, इम्पोज करते हुए, उस पर्सन को इन्वेस्टिगेट या प्रोसिक्यूट करने की एक प्रोसीजर आगे बढ़ा नहीं सकती? कर सकती है ना, क्योंकि यहां पर एक लैकिंग पॉइंट दिख रहा है कि जिस पर्टिकुलर टर्म का इस्तेमाल आप अधिनियम के अंदर, एक्ट के अंतर्गत कर रहे हैं, उसको आपने ठीक से डिफाइन ही कहां किया. गुड इवनिंग पल्लवी. सो हियर एज यू कैन सी दैट द टर्म दैट हैज बीन इंसर्टेड एट हियर, अफेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, भारत के हित के अगेंस्ट प्रभावित करने वाले इस प्रकार के कुछ कृत्य, कुछ इस प्रकार के एक्शन, राइट. सो यू हैव टू वेरी मच कॉन्सियस अबाउट द टर्म दैट हैज बीन यूज्ड इन एनी ऑफ द स्टैट्यूट, कि उनका बेसिक मीनिंग क्या है, बेसिक इंटरप्रिटेशन क्या है. कम से कम इतनी अवचेतना आपके दिमाग में होनी चाहिए उनके स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज को लेकर के, ठीक है. चलिए मूव करते हैं सेक्शन नंबर 2 में, जिसमें क्लॉज नंबर ए से लेकर के और क्लॉज नंबर आई तक कुछ स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज को, कुछ विधिक शब्दावलियों को परिभाषित करने का प्रयास इस पर्टिकुलर एक्ट के माध्यम से किया गया है. सबसे पहले देखिए एजेंसी. एजेंसी मींस, तो कहा गया एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी. बहुत सिंपल डेफिनेशंस हैं, एक एक लाइन, दो दो लाइन में चीजें डिफाइन की गई हैं. सिर्फ आपको काम की बात समझनी है, क्योंकि यहां पर आपसे एमसीक्यूज में ही क्वेश्चन पूछे जाने हैं, मेंस बेसिस पर कोई क्वेश्चन नहीं आता, राइट. तो आपको सिर्फ उस इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को, की टर्म को अंडरलाइन करना है, ना सिर्फ अपनी बुक या बेरैक में, बल्कि अपने मन में भी, अपने हृदय में भी, ताकि वो हमेशा के लिए आपके मन मस्तिष्क पर बैठा रहे. तो 2A, दैट इज द वर्ड एजेंसी. It is referring to the National Investigating Agency constituted under Section
3। तो धारा 3 में आप अभी देखेंगे कि किस प्रकार से एनआईए का कॉन्स्टिट्यूशन किया जा रहा है और कौन इस प्रकार की नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को कॉन्स्टिट्यूट करेगी। तो इस चूंकि ये पूरा सेंट्रल लॉ है ना, पूरा का पूरा केंद्रीय अधिनियम है, तो निश्चित रूप से ज्यादा पावर तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही होंगी। तो यहां पर इनके अपॉइंटमेंट से लेकर के और लगभग पावर कंफर करने तक की सारी शक्तियां सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही हैं। इन टोटो अगर आप इतना भी याद रखते हैं तो आपका काम हो जाएगा, आप इतने में इस प्रकार के कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन को सॉल्व कर भी सकते हो। इस प्रकार की कुछ चीजें सोचा भी करें, टू ए दैट इज एजेंसी, टू बी दैट इज कोर्ट, इट इज रेफरिंग टू क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो जहां कहीं भी पूरे एक्ट के अंतर्गत डेफिनेशनल प्रोविजन का अर्थ ही यही होता है कि यहां पर जिन पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजीज को लिख दिया गया है, फर्दर जहां कहीं भी उन पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजीज का यूज आएगा या उनका उपयोग आएगा, उनका मीनिंग वही लगाया जाएगा जो डेफिनेशन में दिया गया है। तो कोड मीन्स सीआरपीसी, दैट इज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, टू सी दैट इज हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट यहां पर किसको रेफर किया जा रहा है, किन्हें हम उच्च न्यायालय के रूप में देखेंगे, मीन्स द हाई कोर्ट विद इन हूज जुरिसडिक्शन द स्पेशल कोर्ट इज सिचुएटेड। क्योंकि इस पूरे कानून के अंदर, इस पूरे एनआईए एक्ट के अंतर्गत स्पेशल कोर्ट का बहुत बड़ा रोल यहां पर दर्शाया गया है, ठीक है। तो विशेष न्यायालय जहां कहीं भी सिचुएट करेंगे, जहां कहीं भी अवस्थित होंगे, है ना, अगर एक पर्टिकुलर प्लेस इंदौर है और इंदौर की कोई कोर्ट को स्पेशल कोर्ट का दर्जा दिया गया है फॉर द पर्पज ऑफ एनआईए, तो इंदौर की इस स्पेशल कोर्ट कौन से हाई कोर्ट के जुरिसडिक्शन के अंतर्गत सम्मिलित की गई है, वह हाई कोर्ट, राइट। डी प्रेस्क्राइब्ड, प्रिस्क्राइब बाय रूल्स, दैट्स इट। पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये तीन लोगों को शामिल करता है, किसको, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, एडिशनल पीपी को और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को। तो पीपी, एडीपीपी एंड एसपीपी, तीन लोग यहां पर शामिल हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पर। तो लोक अभियोजक के अंतर्गत ऐसा पब्लिक प्रोसिक्यूटर आ सकेगा, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर आ सकेगा और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट एफ, शेड्यूल, शेड्यूल मीन्स द अपेंडेड शेड्यूल अंडर दिस पर्टिकुलर लॉ इटसेल्फ। नेक्स्ट पर्टिकुलर क्लॉज, दैट इज शेड्यूल्ड ऑफेंस, तो उसी पर्टिकुलर शेड्यूल में जो एक लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस प्रोवाइड की गई है ना, वही पर्टिकुलर अपराध जो यहां पर अधिनियमित आपकी अनुसूची के अंतर्गत लिख दिए गए हैं, वही पर्टिकुलर शेड्यूल्ड ऑफेंस के रूप को डिनोट करती है। स्पेशल कोर्ट, स्पेशल कोर्ट दैट इज बींग कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द स्पेसिफिक प्रोविजंस, वहां पर स्पेशल कोर्ट को आप देख सकते हैं 11 हो या 22 हो, ये दोनों प्रोविजन आपको इस रूप में भी याद रहेंगे, 11 to 22, ठीक है। तो सेक्शन 11 में सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है और सेक्शन 22 में लगभग स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर दी गई है, ठीक है। तो सेक्शन 11 एंड सेक्शन 22, और ये दोनों प्रोविजन आपको बहुत आसानी से याद रह सकते हैं। अदर वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस, तो जो दूसरे शब्द हैं, दूसरे अभिव्यक्तियां हैं, जैसा कि दूसरे अधिनियमों में आप इस तरह की चीजें कुछ पढ़ने को पाते हैं, तो एज डिफाइंड अंडर द कोड मीन्स द सीआरपीसी, उनका यूज, उनको रेफर किया जा सकता है। इतना ही प्रोविजन यहां पर मेंशन किया गया है, टू ए फॉर एजेंसी, टू बी फॉर कोर्ट, टू सी फॉर हाई कोर्ट, सी फॉर सी, कुछ इस प्रकार के अल्फाबेटिकल चीजों को लेकर के। और कुछ एक ट्रिक इस प्रकार की आप निकाल सकते हैं कि कैसे आपको वो क्लॉजेस याद रहें और उन क्लॉजेस में कौन सा टर्म डिफाइन किया गया है ये भी याद रहे। तो अल्फाबेटिकल हो या नंबर वाइज हो या सीरियल वाइज हो, इस प्रकार के कुछ ट्रिक्स आप खुद ही निकालने का प्रयास किया करें। स्टूडेंट अगर ऐसा करते हैं तो ये उनके लिए थोड़ा सा बेनिफिट देने वाला हो सकता है, क्योंकि आपको एक बल्कि बल्क बल्क काइंड ऑफ लॉस पढ़ने हैं, है ना, 29 लॉ सब्जेक्ट्स हैं, कम नहीं होते, और 29 लॉ सब्जेक्ट्स में आपको एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं, लिखना नहीं है, है ना। तो सारी चीजें कैसे वन लाइन फैक्ट के रूप में याद रह पाए, इस बात के लिए आपको अलग अलग तरीके अपनाने चाहिए। फर्दर मूव ऑन टू चैप्टर नंबर 2, और सबसे पहले हम देखते हैं कि नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का क्रिएशन सेक्शन 3 के अंतर्गत कौन करता है, हु इज द अथॉरिटी। कॉन्स्टिट्यूशन, the first subsection is saying notwithstanding anything in the police act 1861 the central government may constitute a special agency, underline kar lijiye apne bare act mein, central government have the authority to constitute a special agency, ise special agency ke roop mein dekha ja sakta hai, ek vishesh prakar ka avikaran hai jiska kaam investigation hai aur prosecution hai, ip, theek hai। So it is the central government who will constitute the special agency which is named as National Investigating Agency। एक term use किया गया है notwithstanding anything in the Police Act 1871। तो Police Act 1861 की धारा के उस पर्टिकुलर लॉ में किसी भी पर्टिकुलर प्रोविजन के होते हुए भी ये अपने आप में एक नॉन ऑफस्टैंडिंग क्लॉज है, मतलब इट इज सुपरसीडिंग इन दैट पर्टिकुलर एक्ट एज वेल। और यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट इस प्रकार ही एक स्पेशल एजेंसी जिसका नाम नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होगा, उसका क्रिएशन करने की पावर यहां पर रखती है सेक्शन 3 सबसेक्शन 1। किस बात के लिए,
जैसा मैंने आपको बताया, इन्वेस्टिगेशन प्लस प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंसेस अंडर द एक्ट, कहां शेड्यूल्ड ऑफेंसेस के नाम से जाना जा रहा है ना, शेड्यूल में इन्हें मेंशन किया गया है, ठीक है। सबसेक्शन टू कह रहा है, सब्जेक्ट टू एनी ऑर्डर विच द सेंट्रल गवर्नमेंट मे मेक इन दिस बिहाफ, ऑफिसर्स ऑफ एजेंसी शैल हैव थ्रू आउट इंडिया एंड सब्जेक्ट टू एनी इंटरनेशनल ट्रीटी या डोमेस्टिक लॉ ऑफ द कंसर्न कंट्री आउटसाइड इंडिया। ये जो टर्म है मैं एक बार फिर से रीड करता हूं, एंड सब्जेक्ट टू एनी इंटरनेशनल ट्रीटी और डोमेस्टिक लॉ ऑफ द कंसर्न कंट्री आउटसाइड इंडिया। ये टर्म भी 2019 के बाद ही एड हुआ है, 2019 के बाद, सेक्शन 3 सबसेक्शन 2। एक सेंटेंस यहां पर लिखा हुआ है कि किसी इंटरनेशनल ट्रीटी या किसी भी ऐसी कंट्री की डोमेस्टिक लॉस के अधीन रहते हुए, सब्जेक्ट टू रहते हुए, भारत के बाहर भी इस प्रकार का इन्वेस्टिगेशन किए जाने की शक्ति यह कानून नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के ऑफिसर्स को प्रोवाइड करती है। तो सब्जेक्ट टू एनी ऑर्डर विच द सेंट्रल गवर्नमेंट मे मेक इन दिस बिहाफ, ऑफिसर्स अंडरलाइन ऑफ द एजेंसी शैल हैव थ्रू आउट इंडिया, भारत के संपूर्ण परिक्षेत्र में इस प्रकार के ऑफिसर्स को पावर दी गई है टू इन्वेस्टिगेट, राइट। और भारत के भीतर तो है ही, भारत के बाहर भी इस प्रकार के ऑफेंसेस के संदर्भ में इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन करने की शक्ति यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट इस प्रकार के ऑफिसर्स को प्रोवाइड करती है, लेकिन इट विल बी सब्जेक्ट टू टू थिंग्स, इंटरनेशनल ट्रीटीज प्लस डोमेस्टिक लॉज ऑफ द फॉरेन कंट्रीज। तो उनके अपने स्थानीय विधियों के अधीन रहते हुए और अंतरराष्ट्रीय संधियों के अधीन रहते हुए, ये दो बातें आपको याद रखनी होंगी। फर्दर, and to arrest persons concerned in such offences, all the powers, duties, privileges, liabilities which police officers have in connection with the investigation of offences committed therein. तो वे सभी पावर, सभी ड्यूटीज, सभी privileges, सभी liabilities रखते हैं जो उनके अधीन कारित अपराधों के अन्वेषण के संदर्भ में पुलिस ऑफिसर्स को होती है। तो किसी भी पुलिस ऑफिसर के द्वारा जो कुछ भी पावर्स इस प्रकार की एक्सरसाइज की जा सकती हैं, द सेम काइंड ऑफ पावर विल कैन बी एक्सरसाइज बाय दीज पर्टिकुलर पर्सन्स हु आर द ऑफिसर्स ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, राइट। मूव अहेड, सबसेक्शन 3, एनी ऑफिस ऑफ द एजेंसी आर अबव द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर में सब्जेक्ट टू एनी ऑर्डर। अब आपके परीक्षा की दृष्टि से क्या चीज इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लें, ऑफिसर ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अबव द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर में सब्जेक्ट टू एनी ऑर्डर विच द सेंट्रल गवर्नमेंट मे मेक इन दिस बिहाफ, एक्सरसाइज थ्रू आउट इंडिया एनी ऑफ द पावर ऑफ ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन इन द एरिया। अब जहां कहीं भी ये पुलिस ऑफिसर्स प्रेजेंट होंगे, है ना, यानी नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के ऑफिसर्स प्रेजेंट होंगे, तो वो उस एरिया में एक ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन की पावर रखेंगे, उतनी शक्ति रखेंगे। कैसे ऑफिसर्स होंगे, हु आर द ऑफिसर्स ऑफ द एजेंसी और अबव द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, तो जो सब इंस्पेक्टर की रैंक से ऊपर का है या उस एजेंसी का एक अधिकारी है, उनके द्वारा इस प्रकार की पावर्स को एक्सरसाइज करने की क्षमता ये एक्ट देती है। दे कैन एक्सरसाइज द पावर एज टू एनी पर्टिकुलर ऑफिसर ऑफ ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन होल्डिंग, राइट। उस प्रकार की शक्ति ये पर्टिकुलर पर्सन रखते हैं और यही पर्टिकुलर ऑफिसर्स शैल डीम टू बी एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन डिस्चार्जिंग द फंक्शन ऑफ सच एन ऑफिसर विद इन द लिमिट्स ऑफ हिज स्टेशन। जिस प्रकार से एक पुलिस स्टेशन का एक था, एक जो अधिकारी है, ऑफिसर है, उसके अंतर्गत अपने पावर्स और फंक्शंस को एक्सरसाइज करता है, उसी प्रकार से ये पर्टिकुलर ऑफिसर्स भी इस प्रकार की पावर्स को एक्सरसाइज कर पाएंगे। सेक्शन नंबर 4, सुपरिटेंडेंस। और जैसे ही टर्म सुपरिटेंडेंस यूज किया जाए, आपको तुरंत एक वर्ड याद आना चाहिए और वह है सेंट्रल गवर्नमेंट। जिस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन में आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को याद रखा, उसी प्रकार से सुपरिटेंडेंस की स्थिति में भी आप सेंट्रल गवर्नमेंट को याद रखिए। केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ही इनका कॉन्स्टिट्यूशन कर रही है, इनका संगठन कर रही है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ही इनके ऊपर सुपरिटेंडेंस का पावर रखती है। जब बात आती है मैनर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एजेंसी सेक्शन 5 के अंतर्गत, तो ये भी निर्धारण अलग अलग नोटिफिकेशंस के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी। इसके बारे में एक्ट के अंतर्गत कोई उल्लेख नहीं किया गया है, इस बात का ध्यान रखना। सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट द एजेंसी शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन द एजेंसी शैल बी सच एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो जैसा विहित किया जाए, कौन विहित करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी फ्रॉम टाइम टू टाइम, राइट। सुपरिटेंडेंस की स्थिति में ध्यान रखना, द सुपरिटेंडेंस ऑफ एजेंसी शैल वेस्ट, द वर्ड शैल वेस्ट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार पर यह चीज वेस्ट करेगी, राइट। फर्दर, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजेंसी शैल वेस्ट इन द एन ऑफिसर डेजिग्नेटेड एज डायरेक्टर जनरल अपॉइंटेड इन हिज बिहाफ। तो सुपरिटेंडेंस होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और एडमिनिस्ट्रेशन, इनका प्रशासन, ये वेस्ट करेगा डीजी के पास, डायरेक्टर जनरल के पास, ठीक है।
दो पर्टिकुलर टर्म आपको यहां पर याद रखने हैं आपके प्री पॉइंट ऑफ व्यू से। मूव करें आगे, चलिए चैप्टर नंबर थ्री सेक्शन नंबर सिक्स, इन्वेस्टिगेशन ऑफ शेड्यूल्ड ऑफेंसेस। अब बात करते हैं, आपने एनआईएस का अपॉइंटमेंट कर दिया, इन ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट कर दिया, इनको इनके सुपरिटेंडेंस और इनके एडमिनिस्ट्रेटर का भी आपने उल्लेख कर दिया। अब इनकी इन्वेस्टिगेटिंग पावर्स देखिए, इन्वेस्टिगेशन ऑफ शेड्यूल्ड ऑफेंसेस। अब शेड्यूल के अंतर्गत जितने कुछ भी शेड्यूल्ड ऑफेंसेस प्रेस्क्राइब किए गए हैं उनके संदर्भ में अन्वेषण की क्या शक्तियां ऐसे ऑफिसर्स को दी गई हैं उसकी उसको आप एक बार देखें। इन्वेस्टिगेशन ऑफ शेड्यूल्ड ऑफेंसेस ऑन रिसिप्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड रिकॉर्डिंग देयर ऑफ अंडर सेक्शन 154 ऑफ द कोड रिलेटिंग टू एनी शेड्यूल्ड ऑफेंस द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन शैल फॉरवर्ड द रिपोर्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट फॉर रिव्यू। अंडरलाइन कर लेना दो बातें, पहला कि इस प्रकार की जो सूचना है वो ऐसे पर्सन को किस रूप में मिल रही है, ऑन रिसिप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, इस प्रकार की सूचना मिलने पर या फिर एफआईआर दर्ज होने पर, चूंकि सेक्शन 154 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का रेफर कर रहा है, तो या तो एफआईआर दर्ज होने पर या इस प्रकार की सूचना प्राप्त होने पर क्या करेंगे, रिलेटिंग टू एनी शेड्यूल्ड ऑफेंस, कौन से ऑफेंसेस के संदर्भ में, जो शेड्यूल में लिस्ट दी गई है, लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस प्रोवाइड किए गए हैं, अगर उनमें से किसी एक ऑफेंस को कमिट करने के संदर्भ में कोई सूचना इस प्रकार के अधिकारी को मिलती है या एफआईआर दर्ज की जाती है तो इस प्रकार का ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन क्या करेगा, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन उस पर्टिकुलर रिपोर्ट को स्टेट गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करेगा, राज्य सरकार को फॉरवर्ड करेगा, स्टेट गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करेगा, इस बात को ध्यान रखना। फर्दर ऑन रिसिप्ट ऑफ रिपोर्ट अंडर सबसेक्शन 1, अब राज्य सरकार क्या करेगी, स्टेट गवर्नमेंट शैल फॉरवर्ड द रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एज एक्सपीडियसली एज पॉसिबल, जितना जल्दी संभव होगा राज्य सरकार इस प्रकार की रिपोर्ट को अब अपने ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेगी, ठीक है। तो पहले केस में आपने देखा ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन विल फॉरवर्ड द रिपोर्ट टू स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट विल फॉरवर्ड द कॉपी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एज एक्सपीडिशियस एज पॉसिबल, ऑन रिसिप्ट ऑफ रिपोर्ट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन मेड अवेलेबल बाय द स्टेट गवर्नमेंट आर रिसीव्ड फ्रॉम अदर सोर्सेज, नाउ अंडरलाइन द वर्ड विद इन 15 डेज, ये आपके प्री का क्वेश्चन है, 15 दिवस के अंतर्गत जैसे ही रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगी सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आप को इस बात के लिए तटस्थ करेगा, किस बात के लिए, फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ रिपोर्ट वेदर द ऑफेंस इज शेड्यूल्ड ऑफेंस और नॉट, क्या इस प्रकार की रिपोर्ट के अंतर्गत दर्ज किया गया ऑफेंस शेड्यूल्ड ऑफेंस के अंतर्गत आता है अथवा नहीं, हैविंग रिगार्ड टू द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस एंड अदर रिलेवेंट फैक्टर्स इट इज फिट केस टू गिव इट फॉर द इन्वेस्टिगेशन बाय द नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी और नॉट। बात समझ में आई, तो यहां पर आपको यह समझना होगा कि सबसे पहले इस प्रकार की रिपोर्ट जैसे ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को मिलती है उसके द्वारा इसे स्टेट गवर्नमेंट को फॉरवर्ड किया जाएगा, तब जब वो जाने कि इस प्रकार के शेड्यूल के अंतर्गत लिस्ट किए हुए ऑफेंसेस के अंतर्गत कोई भी रिपोर्ट कोई भी सूचना उसे मिल रही या एफआईआर दर्ज की गई, स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट इस प्रकार की रिपोर्ट को एक्सपीडियसली सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रोड्यूस करेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट 15 दिवस के अंतर्गत जैसे ही इस प्रकार की रिपोर्ट मिलती है उसके 15 डेज के अंदर क्या डिसाइड करेगी, क्या एक फिट केस है कि इस प्रकार के केस को नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए दिया जाना चाहिए। फर्दर वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑफ ओपिनियन दैट ऑफेंस इज अ शेड्यूल्ड ऑफेंस एंड इट इज अ फिट केस टू इन्वेस्टिगेट बाय द एजेंसी इट शैल डायरेक्ट द एजेंसी टू इन्वेस्टिगेट द सेड ऑफेंस। यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट मैंडेटरी तौर पर या आज्ञापक रूप पर ऐसी नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को निर्देशित करेगी, किस बात के लिए, कि आप इस पर्टिकुलर ऑफेंस के संदर्भ में इन्वेस्टिगेशन करें, अन्वेषण करें, राइट, तब जब सेंट्रल गवर्नमेंट इस बात पर तटस्थ हो जाती है कि यह एक फिट केस है, दूसरे सर्कमस्टांसेस दूसरे फैक्टर्स को भी कंसीडर करते हुए कि यह एक फिट केस है जो इस पर्टिकुलर एजेंसी के द्वारा इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए। फर्दर वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑफ ओपिनियन दैट द फर्दर सबसेक्शन 5 नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन दिस सेक्शन इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑफ ओपिनियन दैट शेड्यूल्ड ऑफेंस हैज बीन कमिटेड व्हिच इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टिगेटेड अंडर दिस एक्ट इट मे सू मोटो डायरेक्ट द एजेंसी टू इन्वेस्टिगेट द सेड ऑफेंस। यहां पर इस बात को भी स्पष्ट किया जा रहा है, क्लियर किया जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सुमोटो एक्शन लेने की भी शक्ति है, तो अगर इस प्रकार की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं होती तो क्लॉज नंबर 5 कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सुमोटो एक्शन लेने की भी पावर है। अब अगली कंडीशन ये है, अब क्लॉज सब्जेक्ट नंबर 4 और सब्जेक्ट नंबर 5 इन दोनों को क्लब करते हुए पढ़िए, वेर एनी डायरेक्शन हैज बीन गिवन अंडर सेक्शन 4 और 5 स्टेट गवर्नमेंट एंड एनी पुलिस ऑफिसर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेटिंग द ऑफेंस शैल नॉट प्रोसीड, अंडरलाइन कर लेना, शैल नॉट प्रोसीड with the investigation and shall forthwith transmit relevant documents and records to the agency। तो जैसे ही इस प्रकार की जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस के लिए डायरेक्शन नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को मिल जाती है उसके बाद
स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जो स्टेट की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, इनके द्वारा कोई भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जाएगा और इमीडिएटली जो भी रेलेवेंट रिकॉर्ड्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो इस प्रकार की एजेंसी को सेंड कर दिए जाएंगे, पारेषित कर दिए जाएंगे। क्लियर? सब सेक्शन 7 कहता है, बहुत बहुत इजी सेक्शंस हैं, मैं इस रूप में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, है ना, बहुत इजी सेक्शंस हैं। ध्यान से सुनोगे तो एक एक प्रोविजन आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगा, बहुत इजी प्रोविजंस हैं। प्रोसीजर समझते जाइए, अभी सिर्फ ये देखते जाइए कि क्या क्या चीजें इसके अंतर्गत रेलिवेंट और इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। बाद में एक क्यूमुलेटिव फॉर्मेट में आप ये समझ लीजिए कि कौन सी पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स इट इज हियर बाय डिक्लेयर दैट टिल द एजेंसी टेक्स अप द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन टू कंटिन्यू द इन्वेस्टिगेशन। तो रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी डाउट्स के लिए एक बात और स्पष्ट की जा रही है कि जब तक इस प्रकार के मैटर को, इस प्रकार के ऑफेंस को नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के द्वारा इन्वेस्टिगेट करना प्रारंभ नहीं कर दिया जाता, शुरू नहीं कर दिया जाता, तब तक के लिए इस प्रकार के मैटर को, इस प्रकार के ऑफेंस के संदर्भ में स्टेट की जो एजेंसी है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, पुलिस ऑफिसर है, उसके द्वारा इस प्रकार का इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है। फर्दर वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑफ ओपिनियन दैट शेड्यूल्ड ऑफेंस हैज बीन कमिटेड एट एनी प्लेस आउटसाइड इंडिया, अंडरलाइन टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड्स, इट मे डायरेक्ट द एजेंसी टू रजिस्टर द केस एंड टेक अप इन्वेस्टिगेशन एज इफ सच ऑफेंस हैज बीन कमिटेड विद इन इंडिया। तो यहां पर सब सेक्शन 8 को अंडरलाइन कर लीजिए, सब सेक्शन 8 यहां पर 2019 के अमेंडमेंट के बाद, सब सेक्शन 8, सेक्शन नंबर 6 का सब सेक्शन 8, उपधारा 8, 2019 के अमेंडमेंट के बाद इसे इंसर्ट किया गया। इतना कह रहा है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की ओपिनियन ये है कि कोई भी ऐसा प्लेस जहां पर इस प्रकार का ऑफेंस कमिट किया गया है वो आउट ऑफ इंडिया है, भारत से बाहर है, तो यहां पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट के इस एक्ट का एक्सटेंशन उस पर्टिकुलर प्लेस तक इस रूप में कर रही है कि जो भी ऑफेंस वहां पर कमिट किया गया है अगर वो शेड्यूल्ड ऑफेंस के अंतर्गत आता है, जैसा कि शेड्यूल में अपेंडेड है ना, अगर उन पर्टिकुलर ऑफेंसेस में से कोई पर्टिकुलर ऑफेंस कमिट किया गया है तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने विचारों से इस प्रकार के नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को वहां तक भी इस प्रकार का पावर डिक्टेट करती है कि वह यहां पर भी इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ कर सकती है। तो ठीक उसी रूप में कर सकती है जैसे वह पर्टिकुलर ऑफेंस भारत के बाहर नहीं, भारत के भीतर, विद इन इंडिया कमिट किया गया है। तो सब सेक्शन 8 आपके प्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत खास और इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फर्दर फॉर द पर्पज ऑफ सब सेक्शन 8 द स्पेशल कोर्ट एट न्यू दिल्ली शैल हैव द ज्यूरिसडिक्शन। जहां कहीं भी इस बात का प्रश्न होगा कि कोई भी शेड्यूल्ड ऑफेंस अनुसूची में निर्धारित किया गया, कोई भी अपराध भारत के बाहर कमिट किया गया है और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऐसी नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को पावर दी जा रही है टू इन्वेस्टिगेट इन दैट पर्टिकुलर ऑफेंस एज वेल, राइट, कैसे, जैसा कि भारत के अंदर ही किया गया हो, तो ऐसे केस में फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन 8 स्पेशल कोर्ट कौन सी होगी? ऐसे केस में स्पेशल कोर्ट नई दिल्ली में अवस्थित न्यायालय होगा। ठीक है, तो स्पेशल कोर्ट विच इज सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली दैट विल हैव द ज्यूरिसडिक्शन, उसके पास इस प्रकार के मैटर्स को सुनने की अधिकारिता होगी। इस बात को सबसेक्शन 9 में लिखा गया है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, और यह बात भी आपके 2019 के अमेंडमेंट के बाद से लागू होती है। ठीक है, तो सबसेक्शन 8 और सबसेक्शन 9 दोनों को आप क्लब करते हुए देखिए, ये दोनों चीजें 2019 के साथ यहां पर इंक्लूड कर दी गई हैं, अंतर्वलित कर दी गई हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि हेडक्वार्टर ऑफ एनआईए इज सिचुएटेड एट न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है और भारत के अलग अलग 8 अलग अलग राज्य में, अलग अलग प्लेसेस पर, यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स दोनों को मिलाते हुए यहां पर रीजनल ऑफिस ऑफ एनआईए एस्टेब्लिश्ड हैं। ठीक है, ये बात भी आपके नॉलेज में होना चाहिए फॉर पर्पस ऑफ योर जीके। सेक्शन नंबर 7, पावर टू ट्रांसफर इन्वेस्टिगेशन टू स्टेट गवर्नमेंट। धारा 7 में जब आप मूव करते हैं, सेक्शन नंबर 7 इज सेइंग दैट व्हाइल इन्वेस्टिगेटिंग एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट द एजेंसी हैविंग रिगार्ड टू ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस एंड अदर रेलेवेंट फैक्टर्स मे। तो इस एक्ट के अंतर्गत किसी ऑफेंस का इन्वेस्टिगेशन करते समय एजेंसी ऐसे ऑफेंस की ग्रेविटी, उसकी गंभीरता को देखते हुए और दूसरे रिलेवेंट फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के केसेस को ट्रांसफर कर सकती है। कैसे? इफ इट इज एक्सपीडियंट टू डू सो रिक्वेस्ट द स्टेट गवर्नमेंट टू एसोसिएट इटसेल्फ विद द इन्वेस्टिगेशन। अगर ऐसा करना जरूरी है, आवश्यक है, समीचीन है तो स्टेट गवर्नमेंट से यह रिक्वेस्ट कर सकेंगी कि वह स्टेट गवर्नमेंट भी साथ साथ इस प्रकार के मैटर में इन्वेस्टिगेट करने के लिए उनको एसोसिएट करें, उनका उनकी सहायता करें, असिस्ट करें। क्लॉज नंबर बी कह रहा है कि विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, अंडरलाइन कर लेना, विद प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रांसफर द केस टू द स्टेट गवर्नमेंट फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल ऑफ द ऑफेंस। अगर नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इस बात को समझ रही है कि यह पर्टिकुलर केस बहुत ज्यादा इस प्रकार का केस नहीं है कि वो इस प्रकार के एजेंसी के द्वारा ही डील किया जाए, इन्वेस्टिगेट किया जाए, प्रोसिक्यूट किया जाए, तो वह सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रीवियस अप्रूवल के साथ, पूर्व अनुमोदन के साथ,
उसी केस को राज्य सरकार की पुलिस स्टेट पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को ट्रांसफर करने के संदर्भ में भी कह सकती है कि इस प्रकार के केसेस का इन्वेस्टिगेशन और उनका ट्रायल उनका विचारण वहां पर किया जाए। सेक्शन नंबर 8 पावर टू इन्वेस्टिगेट कनेक्टेड ऑफेंसेस, ये फैक्ट भी क्लियर हो जाना चाहिए क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो शेड्यूल्ड ऑफेंसेस हों सिर्फ वही पर्टिकुलर अपराध कमिट किए ही जाएं। अगर उन शेड्यूल्ड ऑफेंसेस से रिलेटेड कोई दूसरे ऑफेंस भी कमिट किए जाते हैं, है ना, जो कि आपस में को रिलेटेड हैं, जो आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं, तो ऐसे केसेस को क्या दूसरा कोई कोर्ट डील करेगा? नहीं। क्या कोई दूसरी एजेंसी इन्वेस्टिगेट करेगी? नहीं। तो दोनों बातें समझ लीजिएगा, जब आप स्पेशल कोर्ट का टर्म रीड करेंगे, उसके प्रोसेस को देखेंगे, उसकी प्रोसीजर देखेंगे, वहां पर भी ये बात बहुत क्लियरली मेंशन की गई है, और जब इन्वेस्टिगेशन की स्टेज है तो यहां पर भी इस बात को ध्यान में रखिए। लिखा जा रहा है कि व्हाइल इन्वेस्टिगेटिंग एनी शेड्यूल्ड ऑफेंस द एजेंसी मे ऑल्सो इन्वेस्टिगेट एनी अदर ऑफेंस विच द अक्यूज्ड इज एलिज्ड टू हैव कमिटेड इफ द ऑफेंस इज कनेक्टेड विद शेड्यूल्ड ऑफेंस। तो दूसरे ऐसे अपराधों के संदर्भ में भी इन्वेस्टिगेशन करने की पावर ऐसे एनआईए के पास, एजेंसीज के पास है, राइट? उस शेड्यूल्ड ऑफेंस से कनेक्टेड होना जरूरी है। जो शेड्यूल्ड ऑफेंस कमिट किया गया है उससे कनेक्टेड दूसरे ऑफेंसेस अगर कमिट किए गए हैं तो उन ऑफेंसेस के संदर्भ में भी नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इस प्रकार से यहां पर अन्वेषण कर सकती है। सेक्शन नंबर 8। मूव ऑन सेक्शन नंबर 9, स्टेट गवर्नमेंट टू एक्सटेंड असिस्टेंस टू नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। तो इसमें बहुत एक सिंपल सा क्लॉज डाल दिया गया और कहा गया कि स्टेट गवर्नमेंट शैल एक्सटेंड ऑल असिस्टेंस एंड कोऑपरेशन टू द एजेंसी फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द शेड्यूल्ड ऑफेंसेस। इस प्रकार का कोई भी अनुसूची में के अंतर्गत अधिनियमित कोई भी अपराध अगर कमिट किया जाता है तो राज्य सरकार या स्टेट गवर्नमेंट ऐसी एजेंसी यानी नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को असिस्ट करेंगी, उनकी सहायता करेंगी इस प्रकार के इन्वेस्टिगेशन में, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। फर्दर Power of state government to investigate scheduled offences. Save as otherwise provided in this act, nothing contained in this act shall affect the power of state government to investigate and prosecute any scheduled offence or other offences under any law for the time being enforced. तो इसमें एक explanatory clause type चीजें mention कर दी गई धारा 10 में, section 10 में एक स्पष्टीकरण दिया जा रहा है, explanation इस बात का दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जो कुछ भी चीजें यहां पर mention कर दी गई हैं इस particular National Investigating Agency Act 2008 के अंतर्गत, उनके अलावा अगर कोई पर्टिकुलर ऑफेंस कमिट किया जाता है ना, जो कि शेड्यूल्ड ऑफेंस के अंतर्गत भी आ सकता है, किसी दूसरे पर्टिकुलर कानून, दूसरे पर्टिकुलर लॉ के अंतर्गत दंडित किया जा सकता हो, पनिशेबल बनाया गया हो, तो इस प्रकार के ऑफेंसेस के संदर्भ में राज्य सरकार के जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं या ना स्टेट पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, उनके द्वारा इस प्रकार के चीजों के संदर्भ में इन्वेस्टिगेशन करना या ट्रायल करने के संदर्भ में यह एक्ट बार नहीं है या रोक नहीं रही है, है ना? तो सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, नथिंग कंटेंड इन दिस एक्ट शैल अफेक्ट द पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। राज्य सरकार की किसी प्रकार की किसी और शक्तियों को यह अफेक्ट नहीं कर रही है, प्रभावित नहीं कर रही है। तो यह एक प्रकार का सेविंग क्लॉज हो गया, ठीक है, एक प्रकार का सेविंग क्लॉज हो गया। फर्दर सेक्शन नंबर 11, अब यहां से शुरुआत होती है कि आपने इन्वेस्टिगेशन करा ली, उनको पावर्स दे दी, उनके ज्यूरिसडिक्शन को बता दिया कि किस प्रकार के ऑफेंसेस के संदर्भ में वो इन्वेस्टिगेशन कर सकती हैं, प्रोसिक्यूशन करवा सकती हैं। अब बात करते हैं एक एस्टेब्लिशमेंट की, है ना, एक ऐसा एस्टेब्लिशमेंट जो स्पेशल कोर्ट के नाम से जाना जाएगा, विशेष न्यायालय के नाम से जाना जाएगा। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कौन स्पेशल कोर्ट्स का एस्टेब्लिशमेंट या उनका कॉन्स्टिट्यूशन कर सकता है, इस प्रकार की कोर्ट्स को स्पेशल कोर्ट की पावर कन्फर कर सकता है। तो सेक्शन 11 और सेक्शन 22 दोनों को एक साथ अभी आप देख लीजिएगा। सेक्शन 11 इज सेइंग पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू डेजिग्नेट कोर्ट ऑफ सेशन एज स्पेशल कोर्ट्स। इसमें पहले यह बात लिखी हुई थी 2019 के अमेंडमेंट से पहले, सब्स्टिट्यूशन से पहले, क्या द वर्ड कॉन्स्टिट्यूट, तो यहां पर लिखा हुआ था पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू कॉन्स्टिट्यूट द स्पेशल कोर्ट्स। अब 2019 में जो अमेंडमेंट हुआ उस अमेंडमेंट के बाद यहां पर इस वर्ड को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया बाय द वर्ड सॉरी डेजिग्नेट कोर्ट ऑफ सेशन। तो जो पहले से ही कोर्ट ऑफ सेशन के रूप में कोर्ट्स एस्टेब्लिश्ड हैं उन्हें स्पेशल कोर्ट्स का दर्जा दिया जा रहा है, डेजिग्नेट किया जा रहा है। क्या लिखा जा रहा है, द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट, द वर्ड कंसल्टेशन किसकी, हाई कोर्ट की, ठीक है, हाई कोर्ट में किसकी, किसी भी हाई कोर्ट जज की नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ दैट पर्टिकुलर हाई कोर्ट की। तो क्या लिखा, सेंट्रल गवर्नमेंट शैल इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट
द ट्रायल ऑफ शेड्यूल्ड ऑफेंसेस डेजिग्नेट वन आर मोर कोर्ट्स ऑफ सेशन एज स्पेशल कोर्ट। तो एक या एक से अधिक सेशन कोर्ट को स्पेशल कोर्ट्स का दर्जा दे सकती हैं, डेजिग्नेट कर सकती हैं, जो शेड्यूल्ड ऑफेंसेस में से किसी भी पर्टिकुलर ऑफेंस के ट्रायल के लिए एम्पावर की गई हैं, उन्हें शक्ति प्रदत्त की गई है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट विथ कंसल्टेशन, वर्ड याद रखना, कंसल्टेशन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। कितने, एक नहीं, एक या एक से अधिक कोर्ट ऑफ सेशंस को स्पेशल कोर्ट का दर्जा दिया जा सकता है किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए या एरियाज के लिए, किसी पर्टिकुलर केस के लिए या ग्रुप ऑफ केसेस के लिए, राइट। तो इस प्रकार की चीजों को आप इस रूप में भी समझिए कि उनका परिक्षेत्र क्या होगा, किस प्रकार के केसेस के संदर्भ में, क्या ग्रुप ऑफ केसेस को भी इंक्लूड किया गया है, जी हाँ। तो ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन के माध्यम से इस प्रकार के कोर्ट ऑफ सेशंस को स्पेशल कोर्ट को के रूप में डेजिग्नेट किया जा सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है विद द कंसल्टेशन द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, ठीक है। कौन सी हाई कोर्ट, तो उसी हाई कोर्ट से जिस हाई कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत इस प्रकार का कोर्ट ऑफ सेशन सिचुएट करता है, ध्यान रखना। एक्सप्लेनेशन, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन द एक्सप्रेशन हाई कोर्ट मींस द हाई कोर्ट ऑफ स्टेट इन विच द कोर्ट ऑफ सेशन टू बी डेजिग्नेटेड एज अ स्पेशल कोर्ट इज फंक्शनिंग। यह भी पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन आपके 2019 के अमेंडमेंट के माध्यम से जुड़ा है, ध्यान रखना। सेक्शन नंबर 11 एक्सप्लेनेशन 2019 से इंसर्ट हुआ है। सबसेक्शन 2, वेयर एनी क्वेश्चन अराइजेस एज टू ज्यूरिसडिक्शन ऑफ एनी स्पेशल कोर्ट इट शैल बी रेफर्ड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट हूज डिसीजन इन द मैटर शैल बी फाइनल। इंपॉर्टेंट है, प्री में यहां से क्वेश्चन बनेगा ही, ध्यान रखना। वेयर एनी क्वेश्चन अराइजेस एज टू ज्यूरिसडिक्शन ऑफ एनी स्पेशल कोर्ट, जहां पर इस बात का प्रश्न उठता है कि उस स्पेशल कोर्ट की अधिकारिता क्या होगी, ज्यूरिसडिक्शन क्या होगी, तो यहां पर मैटर क्वेश्चन सेंट्रल गवर्नमेंट को रेफर किया जाना चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित किया गया आंसर प्रत्युत्तर फाइनल होगा, अंतिम होगा, ध्यान रखना। फर्दर, द वर्ड एंड हैज बीन ओमिटेड फ्रॉम द 2019 अमेंडमेंट एक्ट, क्लॉज नंबर 8 सबसेक्शन 8। अब ये क्या कह रहा है, इट इज सेइंग दैट फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स इट इज हियर बाय प्रोवाइडेड दैट द अटेनमेंट बाय द सेशन जज ऑफ द कोर्ट ऑफ सेशन रेफर टू इन सबसेक्शन 1 ऑफ द एज ऑफ सुपर इनिवेशन अंडर द रूल्स एप्लीकेबल टू हिम इन द सर्विस टू विच ही बिलोंग्स शैल नॉट अफेक्ट हिज कंटिन्यूएंस एज जज ऑफ अ स्पेशल कोर्ट एंड अपॉइंटिंग अथॉरिटी इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय ऑर्डर डायरेक्ट दैट ही शैल कंटिन्यू एज जज अंटिल द स्पेसिफाइड डेट एंड अंटिल कंप्लीशन ऑफ ट्रायल ऑफ द केसेस बिफोर हिम व्हिचएवर इज अर्लियर। तो ये भी एक रिमूवल ऑफ डाउट है। सपोज करिए किसी भी पर्टिकुलर स्पेशल जज के द्वारा इस प्रकार के मैटर को सुना जा रहा है और उसकी सुपर एनिवेशन एज आ गई, अधिवर्षता की उम्र आ गई और अब वो इस पर्टिकुलर ट्रायल को कंटिन्यू नहीं कर सकता, तो इस प्रकार के सिचुएशन में शंका दूर करने के लिए, डाउट को क्लियर करने, स्पष्ट करने के उद्देश्य से यह पर्टिकुलर क्लॉज यहां पर इंसर्ट किया गया और इसमें यह बात मेंशन कर दी गई कि सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसल्टेशन के साथ इस प्रकार के अपॉइंटेड अथॉरिटी के ऑर्डर से यह डायरेक्शन दिया जा सकता है कि एक स्पेसिफाइड डेट तक, एक विनिर्दिष्ट तारीख तक इस पर्टिकुलर पर्सन के समक्ष चलने वाले हर एक पर्टिकुलर मैटर, है ना, उसके समक्ष चलने वाले इस प्रकार के केस या केसेस जो उस ऑर्डर में विनिर्दिष्ट किए गए हैं, स्पेसिफाई किए गए हैं, उनका कंप्लीट ट्रायल ऐसे जज के द्वारा ही किया जाता रहेगा इररेस्पेक्टिव ऑफ हिज सुपर एनिवेशन एज, ठीक है। नेक्स्ट पर्टिकुलर क्लॉज, व्हेन मोर देन वन स्पेशल कोर्ट इज डेजिग्नेटेड फॉर एन एरिया और एरियाज द सीनियर मोस्ट जज शैल डिस्ट्रीब्यूट द बिजनेस अमंगस्ट देम। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि अगर एक ही पर्टिकुलर एरिया या कई सारे एरियाज को मिलाकर के कुछ स्पेशल जजेस स्पेशल कोर्ट्स की एस्टेब्लिशमेंट कर दी गई है तो ऐसे केसेस में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, क्योंकि ये बात तो आपको मालूम ही होगी कि एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो डिस्ट्रिक्ट जज साहब बैठेंगे उन डिस्ट्रिक्ट जज साहब के द्वारा दूसरे अमंग फेलो जजेस के समक्ष इस प्रकार के केसेस का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, व्हेन मोर देन वन स्पेशल कोर्ट इज डेजिग्नेटेड फॉर अ सिंगल एरिया, एक ही एरिया में एक से अधिक स्पेशल कोर्ट्स हो गए, तो यहां पर बिजनेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इस प्रकार के केसेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सीनियर मोस्ट जज के द्वारा किया जाएगा, उनमें से सीनियर मोस्ट जज ऑफ द स्पेशल कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है और 2019 में ये सब्स्टिट्यूट किया गया है, ध्यान रखना, 2019 में सबसेक्शन 9 सेक्शन नंबर 11। अब अगर आप चाहें तो डायरेक्टली आप सेक्शन 22 में मूव कर लें, पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू डेजिग्नेट कोर्ट ऑफ सेशन एज स्पेशल कोर्ट। तो यहां पर राज्य सरकार को भी शक्ति दी गई है कि इस प्रकार के स्पेशल कोर्ट ऑफ सेशंस को स्पेशल कोर्ट्स का दर्जा दे सकें, राइट।
तो कोर्ट ऑफ सेशन को दिया जाने वाला जो स्पेशल सॉरी कोर्ट ऑफ सेशन को जो स्पेशल कोर्ट का दर्जा दिया जा रहा है, यहाँ पर उन कोर्ट ऑफ सेशंस की जो अपनी शक्तियां हैं, अपनी अधिकारिता है ना, उस प्रकार के अदर केसेस को सुनने की, वह भी यहाँ पर इंक्लूडेड होती है। यह बात यहाँ पर लिखी हुई है, इस बात को ध्यान रखना। सेक्शन 22 को पढ़ लेना एक नजर बाय योर सेल्फ। मूविंग अहेड, प्लेस ऑफ स्विंग, प्लेस ऑफ सिटिंग, सेक्शन 12। अपॉइंटमेंट कर दिया, अब इनको एक जगह भी दे दो, बैठेंगे कहां। चलिए, प्लेस ऑफ सिटिंग। तो प्लेस ऑफ सिटिंग में द स्पेशल कोर्ट मे ऑन इट्स ओन मोशन, अंडरलाइन द वर्ड ओन मोशन, और ऑन एप्लीकेशन मेड बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो या तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा किए गए एप्लीकेशन से, या बाय हिज ओन मोशन, ठीक है, अपनी स्वप्रेरणा से क्या कर सकता है। इफ इट कंसिडर्स इट एक्सपीडियंट आर डिजायरेबल सो टू डू, द वर्ड एक्सपीडियंट एंड द वर्ड डिजायरेबल, ऐसा जरूरी आवश्यक है या ऐसा वांछनीय है, राइट। सिट फॉर एनी ऑफ इट्स प्रोसीडिंग्स टू एट एनी प्लेस अदर देन हिज ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ सिटिंग। तो जिस पर्टिकुलर सामान्य जगह पर वह हमेशा बैठता था, उस जगह से दूसरी ऐसे प्लेसेस पर भी वह बैठ सकता है। कारण ये होने चाहिए, या तो बाय हिज ओन मोशन, है ना, स्वयं के स्वप्रेरणा से, या फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा दिए हुए एप्लीकेशन से, जब इस प्रकार के मैटर्स के संदर्भ में एक्सपीडिशियस हो या फिर वांछनीय हो, डिजायरेबल हो। बहुत सिंपल सेक्शन है, सेक्शन 12। 13, अब बात करते हैं, न्यायालय की स्थापना भी हो गई और इसमें आपने इनकी प्लेस ऑफ सेटिंग भी तय कर दी, तो इनको कुछ पावर्स भी दे दो, ज्यूरिसडिक्शन भी डिसाइड कर दो। तो सेक्शन 13 और सेक्शन 14 और इसके साथ में 16 जरूर देख लेना। तो स्पेशल कोर्ट से रिलेटेड ये प्रोविजन आपको बहुत काम आएंगे, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ स्पेशल कोर्ट, पावर ऑफ स्पेशल कोर्ट एंड प्रोसीजर एंड पावर ऑफ स्पेशल कोर्ट। तो ज्यूरिसडिक्शन के संदर्भ में लिखा हुआ है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन द कोर्ट, एवरी शेड्यूल्ड ऑफेंस इन्वेस्टिगेटेड बाय द एजेंसी शैल बी ट्राइड ओनली बाय द स्पेशल कोर्ट विद इन हुज लोकल ज्यूरिसडिक्शन इट वॉज कमिटेड। तो सीआरपीसी के अंतर्गत किसी भी बात के मेंशन होते हुए भी, एवरी शेड्यूल्ड ऑफेंस इन्वेस्टिगेटेड बाय एजेंसी शैल बी ट्राइड ओनली बाय, द वर्ड ओनली हैज बीन यूज्ड, ध्यान रखना, ओनली बाय स्पेशल कोर्ट विद इन हुज लोकल ज्यूरिसडिक्शन इट वॉज कमिटेड। सिर्फ और सिर्फ स्पेशल कोर्ट के द्वारा ही ट्रायल किया जाएगा, किन ऑफेंसेस का, जो शेड्यूल में प्रिस्क्राइब किए गए हैं। सारी बातें समझ में आ रही है ना, अगर सब कुछ ठीक तरीके से स्पष्ट हो रहा है तो बीच बीच में अपने कमेंट्स में बताते भी रहें, ठीक है, दैट विल बी वेरी मच इंटरेस्टिंग टू नो, ऐसा जरूरी भी है। चलिए, सो सेक्शन नंबर 13 में सबसे पहला सबसेक्शन लिखा हुआ है कि इस पर्टिकुलर एक्ट के अंतर्गत जितने भी शेड्यूल ऑफेंस में निर्धारित किए हुए ऑफेंसेस हैं, उन सब के संदर्भ में इन्वेस्टिगेशन अगर नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कर रही है, तो यहां पर उनका ट्रायल सिर्फ और सिर्फ स्पेशल कोर्ट्स करेंगी। फर्दर सबसेक्शन 2, इफ हैविंग रिगार्ड टू एक्सिजेंसी ऑफ द सिचुएशन प्रिवेलिंग इन अ स्टेट, इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव अ फेयर इम्पार्शियल और स्पीडी ट्रायल, इफ इट इज नॉट फीजिबल टू हैव द ट्रायल विदाउट ओकेजनिंग द ब्रीच ऑफ पीस, ग्रेव रिस्क टू द सेफ्टी ऑफ अक्यूज विटनेस, पब्लिक प्रोसिक्यूटर और अ जज, इट इज नॉट अदरवाइज इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। तीन बातें यहां पर लिखी हैं। सबसेक्शन 2 कह रहा है कि इफ हैविंग रिगार्ड टू द एक्सीजेंसी ऑफ द सिचुएशन प्रिवेलिंग इन अ स्टेट, अगर ये तीन कंडीशंस हैं कि संभव नहीं है कि एक फेयर काइंड ऑफ ट्रायल हो सके, या इंपार्शियल काइंड ऑफ ट्रायल हो सके, या स्पीडी ट्रायल हो सके, या फिर इट इज नॉट फिजिबल, क्या कि ब्रीच ऑफ पीस होने की संभावना है ना, यहां पर शांति भंग होने की संभावना है, किन रीजन से या फिर किन पर्टिकुलर एस्पेक्ट में, तो कहा गया कि अभियुक्त व्यक्ति को खतरा हो सकता है, विटनेस को खतरा हो सकता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को हो सकता है, या फिर जज की सेफ्टी को खतरा हो सकता है, ठीक है। तो ये दूसरा रीजन। तीसरा, इट इज नॉट अदरवाइज इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, ये न्याय के हित में ही नहीं है। तो अगर ये तीन कंडीशंस मेंशन की गई हैं, या इनमें से किसी कारण को लिखा गया है, इनमें से कोई भी एक कारण लिखा गया है, तो सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर कर सकती है इस प्रकार के केसेस को फ्रॉम वन पेंडिंग बिफोर द स्पेशल कोर्ट, फ्रॉम वन स्पेशल कोर्ट टू अनदर विद इन द स्टेट और आउट ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस प्रकार के केसेस को ट्रांसफर करने की शक्ति सीआरपीसी में भी मेंशन की गई है, धारा 406, 7, 8 आप पढ़ते हैं उसी पार्लेंस में। यहां भी आप सेक्शन देख रहे हो, सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 के अंतर्गत, जहां पर अगर इन तीन में से कोई भी एक पर्टिकुलर रीजन या कोई भी पर्टिकुलर कारण दर्शित कर दिए जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार के केसेस को एक पर्टिकुलर स्पेशल कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन से किसी दूसरे पर्टिकुलर स्पेशल कोर्ट को ट्रांसफर कर सकती है फॉर दियर ट्रायल। क्या ये पावर हाई कोर्ट को भी है? जी हाँ,
ये पावर हाई कोर्ट को भी यहां पर दिया गया है। अगर जैसा कि लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट एज द केस में बी मे एक्ट अंडर दिस सेक्शन इधर ऑन द एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और अ पार्टी इंटरेस्टेड, एनी सच एप्लीकेशन शैल बी मेड बाय मोशन विच शैल एक्सेप्ट व्हेन द एप्लीकेंट इज अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया बी सपोर्टेड बाय एन एफिडेविट और अफर्मेशन। तो अगर किसी व्यक्ति के द्वारा उस पर्टिकुलर केस के ट्रांसफर के लिए इस प्रकार की एप्लीकेशन दर्ज की जाती है तो इसे अनुमोदन के माध्यम से आवेदन किया जाएगा, मोशन के माध्यम से एप्लीकेशन किया जाएगा। और अगर एप्लीकेंट कौन है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, तो यहां पर एफिडेविट या अफर्मेशन देने की आवश्यकता नहीं है, शपथ पर दिए जाने की आवश्यकता नहीं है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इस प्रकार का एक प्रोविजन आप अभी आगे स्टेट गवर्नमेंट के पर्पज से भी पढ़ेंगे, जहां पर आप इन शब्दों के के प्लेस में कोई दूसरे शब्दों का इंक्लूजन भी देखेंगे। ठीक है, सेक्शन 14 पावर ऑफ स्पेशल कोर्ट विद रिस्पेक्ट टू अदर ऑफेंसेस। सो व्हेन ट्राइंग एनी ऑफेंस स्पेशल कोर्ट मे ऑल्सो ट्राई एनी अदर ऑफेंस विद विच द अक्यूज्ड मे अंडर द कोर्ट बी चार्ज्ड एट द सेम ट्रायल इफ द ऑफेंस इज कनेक्टेड विद सच अदर ऑफेंस। मैंने आपसे कहा था ना, तो विशेष न्यायालय जब वह किसी ऑफेंस का ट्रायल कर रही है, उसी पर्टिकुलर ट्रायल में ऐसे किसी अदर ऑफेंस को भी ट्रायल कर सकेगी जिसका ऐसे अक्यूज्ड पर्सन पर कोर्ट के अंतर्गत है ना कुछ एक्यूजेशन लगाया गया है, आरोप लगाया गया है, और वह ऑफेंस ऐसे अदर ऑफेंस से संसक्त है, जुड़ा हुआ है, रिलेटेड है। तो जैसे आपने इन्वेस्टिगेशन के तौर पर पढ़ा कि नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ना सिर्फ शेड्यूल ऑफेंसेस का इन्वेस्टिगेशन कर सकेगी बल्कि उससे जुड़े हुए दूसरे ऑफेंसेस को भी ट्रायल सॉरी इन्वेस्टिगेशन कर सकेगी, उसी प्रकार से स्पेशल कोर्ट के लिए यहां पर पहली सेक्शन में आप देख रहे हैं कि स्पेशल कोर्ट के पास ना सिर्फ उस पर्टिकुलर शेड्यूल्ड ऑफेंस के ट्रायल करने की शक्ति होगी बल्कि उस शेड्यूल्ड ऑफेंस के साथ साथ जुड़े हुए किसी दूसरे ऑफेंसेस को भी ट्रायल करने की शक्ति होगी। इफ इन द कोर्स ऑफ एनी ट्रायल अंडर दिस एक्ट ऑफ एनी ऑफेंस इफ इट इज फाउंड दैट अक्यूज्ड पर्सन हैज कमिटेड अदर एनी अदर ऑफेंस अंडर दिस एक्ट और एनी अंडर एनी अदर लॉ द स्पेशल कोर्ट में कन्विक्ट सच पर्सन ऑफ सच अदर ऑफेंस एंड पास एनी सेंटेंस और अवॉर्ड पनिशमेंट अदरवाइज बाय दिस एक्ट और एज द केस मे बी अंडर सच अदर लॉ। अगर किसी दूसरे कानून के अंतर्गत यह व्यक्ति अभियुक्त किया जा रहा है या उसे उस पर अक्यूजेशन लगाया गया, आरोपित किया गया है, तो उस दूसरे कानून के तहत जो कुछ भी पनिशमेंट प्रोवाइड किया गया है, वही पर्टिकुलर दंड, वही पर्टिकुलर पनिशमेंट यह स्पेशल कोर्ट भी दे सकेगी, कर सकेगी, ट्रायल भी और पनिशमेंट भी। ध्यान रखना, फर्दर पब्लिक प्रोसिक्यूटर धारा 15 में जाने से पहले धारा 16 देख लीजिए, प्रोसीजर एंड पावर ऑफ स्पेशल कोर्ट। प्रोविजन नंबर 16, प्रोसीजर एंड पावर ऑफ स्पेशल कोर्ट, थोड़ा क्विकली देखिए, जल्दी देखिए। स्पेशल कोर्ट में टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस विदाउट द अक्यूज्ड बीइंग कमिटेड टू इट फॉर ट्रायल अपॉन रिसीविंग कंप्लेंट ऑफ फैक्ट एंड कॉन्स्टिट्यूट सच ऑफेंस अपॉन पुलिस रिपोर्ट ऑफ सच फैक्ट। सीधे तौर पर लिख दिया गया है, चूंकि हम जानते हैं कि कोर्ट ऑफ सेशन के समक्ष कोई भी पर्टिकुलर मैटर डायरेक्टली प्रोड्यूस नहीं हो सकता या नहीं होता इन जनरल, अगर आप सीआरपीसी की सेक्शन को पढ़ते हैं समझ में आएगी। तो कमिटल प्रोसीडिंग होती है, मैजिस्ट्रेट सबसे पहले उन पर्टिकुलर पार्टीज को एविडेंसेस को एग्जामिन करता है और उसके बाद वह कमिटल प्रोसीडिंग, अगर वो मैटर इस प्रकार से कुछ आधार उत्पन्न करता है कि उसे और एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन डिसाइड करता है कि ये कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा ट्रायल किया जाना चाहिए, तो उसे कमिटल प्रोसीडिंग में भेजता है। दो स्टेज होते हैं ना। फर्दर तो यह सेक्शन क्लियर कर रही है सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 कि स्पेशल कोर्ट में टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस विदाउट अक्यूज्ड बीइंग कमिटेड टू इट फॉर ट्रायल। तो कमिटल प्रोसीडिंग होने की जरूरत नहीं है यहां पर, स्पेशल कोर्ट के समक्ष इस प्रकार के मैटर को डायरेक्टली प्रोड्यूस किया जा सकता है इधर इन द फॉर्म ऑफ कंप्लेंट और इन द फॉर्म ऑफ एफआईआर। कुछ ऐसा कंप्लेंट जो इस प्रकार के ऑफेंसेस को कॉन्स्टिट्यूट करने वाले उन स्पेसिफिक एसेंशियल्स को शामिल करता हो या फिर एफआईआर। तो इन दोनों ही पर्टिकुलर चीजों के माध्यम से कोर्ट ऑफ सेशन के समक्ष यानी स्पेशल कोर्ट के समक्ष इस पर्टिकुलर पर्पस के एक्ट के पर्पस से स्पेशल कोर्ट के समक्ष इस प्रकार के मैटर को डायरेक्टली प्रोड्यूस किया जा सकता है। फर्दर वेयर एन ऑफेंस ट्रायल बाय स्पेशल कोर्ट इज पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट फॉर टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स। अब यहां पर दो बातें आप और देखोगे, मैं बहुत शॉर्ट में इस दोनों पर्टिकुलर पॉइंट को आप समझा देता हूं कि चूंकि सेक्शन 262 265 सीआरपीसी में आपने क्या पढ़ते हैं, समरी ट्रायल पढ़ते हैं, संक्षिप्त ट्रायल पढ़ते हैं। तो यहां पर कहा जा रहा है कि अगर किसी ऐसे पर्टिकुलर ऑफेंस का ट्रायल कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा सॉरी स्पेशल कोर्ट के द्वारा किया जा रहा है जिनके लिए पनिशमेंट की व्यवस्था 3 वर्ष से कम है, 3 वर्ष से कम इंप्रिजनमेंट दिया जा सकता है, तो उस सर्कमस्टांस में यह बात क्लियर कर रही है कि ये यहां पर मेंशन किया जा रहा है कि 260 टू 262 या 263 टू 265 सीआरपीसी में किसी भी बात के होते हुए भी यहां पर इस प्रकार के मैटर का समरी ट्रायल किया जा सकेगा। नंबर वन। नंबर टू, समरी ट्रायल की दशा में आपने देखा कि जो भी पर्टिकुलर मैटर समरी ट्रायल के अंतर्गत आते हैं, संक्षिप्त ट्रायल के अंतर्गत आते हैं, वहां पर पनिशमेंट 3 महीने से ज्यादा नहीं दिया जा सकता। तो यहां पर इस बात को भी ठीक उसी रूप में क्लियर किया जा रहा है, अगर आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को याद कर पाए कि यहां पर 1 वर्ष से अधिक का नहीं,
एक इंप्रिजनमेंट दिया जा सकेगा, ऐसा यहां पर लिखा हुआ है। और फाइन जो 5 लाख रुपए तक का हो सकेगा, याद रखना प्री के पर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है प्रोविजन भी और दिया जाने वाला पावर या जुरिस्डिक्शन भी, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को, इस प्रोसीजर को और इस पावर को, दोनों को याद रखना समरी ट्रायल के संदर्भ में, ठीक है, इन रिलेवेंस टू सेक्शन नंबर 262-265 ऑफ सीआरपीसी एज वेल, राइट, फॉर द पर्पज ऑफ योर एग्जामिनेशन, इट इज वेरी मच हॉट पॉइंट। Subject to other provision of this act, a special court shall, for the purpose of trial, if any offence, have all the power of a court of session and shall try such offence as if it were a court of session, so far as may be in accordance with the procedure prescribed in the court. तो special court को किसी offence के trial के purpose के लिए session court की सभी powers होंगी, ऐसा मैंने आपको पहले भी बता दिया है। Subject to other provision of this act, every case transferred to a special court under subsection 2 of section 13 shall be dealt with as if such case had been transferred under 406 of the court to such a special court. तो सेक्शन 13 का रेलेवेंस 406 के साथ मैंने आपको पहले ही दे दिया, आपको समझ में आनी चाहिए कि यहां पर जो पर्टिकुलर केस ऐसे स्पेशल कोर्ट को ट्रांसफर किए जा रहे हैं वो उसी रूप में माने जाएंगे जैसे धारा 406 में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने उन्हें ट्रांसफर किए हैं। फर्दर सेक्शन 299 के रेलेवेंस में भी ये बात लिख दी गई है कि इस पर्टिकुलर कोर्ट में किसी पर्सन, किसी पर्टिकुलर फैक्ट के होते हुए भी सेक्शन 299 सीआरपीसी में, जो कि स्पेशल कोर्ट के अंदर, यहां पर स्पेशल कोर्ट के अंतर्गत अगर कोई फैक्ट यहां पर मेंशन किया गया है एज टू द रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, 299 सीआरपीसी ये कह रही है कि अगर अक्यूज्ड पर्सन उपस्थित नहीं है, अब्सेंट है, तो उस पर्टिकुलर सर्कमस्टांस में क्या एविडेंस रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। अगर अक्यूज्ड पर्सन एब्सकॉन्डर है, भगोड़ा है, भाग गया है, या फिर उसके अभी तत्काल अरेस्ट होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, संभावना नहीं है, तो क्या ट्रायल प्रोसेस रुकी रहेगी, क्या एविडेंसेस रिकॉर्ड नहीं किए जा सकते एक एक्सेप्शन के तौर पर, जैसा आप सेक्शन 33 इंडियन एविडेंस एक्ट की एक्सेप्शन के तौर पर सेक्शन 299 को पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहां लिख दिया गया, नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द कोर्ट बट सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ 299 सीआरपीसी, इफ इट थिंक्स फिट एंड फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड बाय इट, प्रोसीड विद द ट्रायल इन द एब्सेंस ऑफ अक्यूज्ड और इज प्लीडर एंड रिकॉर्ड एविडेंस ऑफ एनी विटनेस सब्जेक्ट टू राइट ऑफ अक्यूज्ड टू रिकॉल द विटनेस फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन। बहुत इजी है, समझ में बात आ चुकी होगी, 299 को अंडरलाइन कर लेना। नेक्स्ट सेक्शन 17, प्रोटेक्शन ऑफ विटनेसेस, ये एक नए प्रकार की धारा है जो यहां पर रखी गई है, मेंशन की गई है कि इस प्रकार के साक्षियों के संदर्भ में प्रोटेक्शन दिए जाने की व्यवस्था सेक्शन 17 में है। कुछ सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि क्या यहां पर जो प्रोसीडिंग है, जो कार्यवाही है उस स्पेशल कोर्ट के समक्ष, क्या ये कैमरा प्रोसीडिंग में होनी चाहिए, बंद कमरे में होनी चाहिए। तो सब सेक्शन 1 में ही लिखा गया कि नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन द कोर्ट द प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट मे फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग बी हेड इन कैमरा इफ द स्पेशल कोर्ट सो डिजायर्स। तो अगर स्पेशल कोर्ट इस प्रकार की वांछा रखती है कि इस प्रकार के मैटर का जो ट्रायल है वो एक बंद कमरे में होना चाहिए, तो संहिता में यानी कोड में सीआरपीसी में किसी बात के होते हुए भी यहां पर इस प्रकार के मैटर का जो ट्रायल है वो आपके बंद कमरे में या इन कैमरा प्रोसीडिंग हो सकती है, ठीक है। ये आपके प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसमें जो रेस्ट ऑफ द प्रोविजन है वो प्री के लिए उतने खास नहीं है सिवाय दिए हुए पनिशमेंट के, जो सबसेक्शन 4 में दिया हुआ है कि अगर कोई पर्सन इस प्रकार के डायरेक्शन, कैसा डायरेक्शन जो कि स्पेशल कोर्ट देगी इस प्रकार के विटनेसेस के प्रोटेक्शन को लेकर के, है ना, कि उनका नाम डिस्क्लोज नहीं किया जाना चाहिए या इस प्रकार से मेंशन नहीं किया जाना चाहिए, किसी तरह से व्यक्ति के नॉलेज में नहीं आनी चाहिए, इस प्रकार के कुछ अगर निर्देश ऐसे स्पेशल कोर्ट के द्वारा दिए जाते हैं एज टू प्रोटेक्टिंग द विटनेसेस, और अगर कोई व्यक्ति उनका वायलेशन करता है, उन्हें उनका उल्लंघन करता है, तो यहां पर एनी पर्सन हु इज कंट्रावेनिंग एनी डिसीजन डायरेक्शन इशूड बाय the special court shall be punished with imprisonment for term which may extend to 3 years with fine which may extend to 1000 rupees. 3 महीने 1000 रुपए का punishment यहां पर दिया जा सकता है, ध्यान रखना 3 महीने 1000 रुपए, clear। धारा 17 इतना ही आपके प्री पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट है। 18 सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन, नो प्रोसिक्यूशन। अब यहां पर, अब अगर नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के अंतर्गत जो भी पर्सन हैं या नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के जो ऑफिसर्स हैं या उनको असिस्ट करने वाले जो पर्सन हैं जो उनके इन्वेस्टिगेशन में उनकी मदद करते हैं, क्या उनको उनका प्रोटेक्शन नहीं है, उनका भी प्रोटेक्शन है, उनको भी संरक्षित किया जा रहा है 17 में विटनेसेस को, 18 में ऑफिसर्स को, राइट। और 18 में इस बात को लिखा जा रहा है कि किसी प्रकार का प्रोसिक्यूशन, किसी प्रकार का सूट, किसी प्रकार की अदर लीगल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट नहीं की जाएगी किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में, राइट, विदाउट द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के बगैर किसी भी प्रकार का कोई सिविल सूट, कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग, कोई भी लीगल प्रोसीडिंग ऐसे ऑफिसर्स के अगेंस्ट जो कि ऐसी एजेंसी के ऑफिसर्स हैं या किसी भी ऐसे पर्सन के अगेंस्ट जो इनको असिस्ट कर रहे हैं इस प्रकार के इन्वेस्टिगेशन में, दर्ज नहीं की जाएगी सिवाय द एक्सेप्टिंग द हैविंग द सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना। फर्दर ये इंपॉर्टेंट है, प्री पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरलाइन कर लीजिएगा। 19 ट्रायल बाय स्पेशल कोर्ट टू हैव प्रेसिडेंस, ट्रायल बाय स्पेशल कोर्ट टू हैव
प्रेसिडेंस, ट्रायल अंडर दिस एक्ट। अब ये पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर उसी पर्टिकुलर अक्यूज पर्सन का 3 महीने, सॉरी 3 ईयर्स है विवेक, 3 ईयर्स फाइन 1000, ठीक है। तो 19 में कहा जा रहा है ट्रायल बाय स्पेशल टू हैव प्रेसिडेंस, तो अगर किसी पर्टिकुलर अक्यूज्ड पर्सन का ट्रायल ऐसे स्पेशल कोर्ट में भी चल रहा है और साथ साथ किसी दूसरे पर्टिकुलर ऑर्डिनरी कोर्ट्स में भी चल रहा है किसी दूसरे ऑफेंसेस को लेकर के, तो यहां पर स्पेशल कोर्ट्स में चलने वाली प्रोसीडिंग्स को वरीयता दी जाएगी। द स्पेशल कोर्ट विल हैव द प्रेसिडेंस ओवर द अदर, राइट। तो यहां पर जो कुछ भी पर्टिकुलर मैटर रन कर रहे हैं स्पेशल कोर्ट के अंतर्गत, इस एक्ट के अंतर्गत इनका, इनको वरीयता दी जा रही है दूसरे न्यायालयों की तुलना में, इस बात का ध्यान रखिए। इतना ही यहां पर मेंशन किया गया है और पूरा प्रोविजन एक बार आप देख लीजिएगा। पावर टू ट्रांसफर केसेस टू रेगुलर कोर्ट्स, अब अगर यह स्थिति होती है कि आफ्टर टेकिंग द कॉग्निजेंस ऑफ एनी स्पेशल एनी ऑफेंस, स्पेशल कोर्ट का ओपिनियन यह है संज्ञान लेने के बाद, कॉग्निजेंस लेने के बाद कि इस प्रकार का मैटर इनके द्वारा विचारणीय नहीं था, तो इन्हें जिस पर्टिकुलर कोर्ट को ज्यूरिसडिक्शन है उस पर्टिकुलर कोर्ट को ट्रांसफर करने की ज्यूरिसडिक्शन मानी गई है इस एक्ट के अंतर्गत। तो यहां पर उस रेलिवेंट कोर्ट को इस प्रकार के मैटर को ट्रांसफर करने की शक्ति ऐसे स्पेशल कोर्ट के पास भी है, सेक्शन 20 में यही बात लिखी हुई है, ठीक है। और ये उसी रूप में केस ट्रांसफर होगा और जिस पर्टिकुलर कोर्ट को ऐसा केस ट्रांसफर किया जाता है वह उस पर्टिकुलर केस को उसी रूप में ट्रायल करेगा जैसे उसी ने इस पर्टिकुलर केस का कॉग्निजेंस लिया है, उसी ने इस पर्टिकुलर केस को का संज्ञान लिया है। फर्दर 21 इज टॉकिंग अबाउट अपील, अपील 21 में अपील दर्शाई गई। अब कहा जा रहा है कि स्पेशल कोर्ट के द्वारा दिए हुए किसी भी पर्टिकुलर जजमेंट, किसी सेंटेंस या फिर किसी भी प्रकार का ऑर्डर जो कि इंटरलोक्यूटरी नेचर का नहीं होना चाहिए, अंतर्वर्ती आदेश की प्रकृति का नहीं होना चाहिए, तो किसी भी जजमेंट, किसी भी सेंटेंस और किसी भी ऑर्डर की अपील यहां पर स्पेशल कोर्ट की द्वारा दिए जाने इस प्रकार के आदेश, निर्णय या जजमेंट की अपील हाई कोर्ट को होगी। किसको होगी? हाई कोर्ट को होगी, फिर चाहे वो क्वेश्चन एज टू फैक्ट हो या क्वेश्चन एज टू लॉ हो, तो ये विधि का प्रश्न हो या तथ्य का प्रश्न हो, इन दोनों ही सर्कमस्टांसेस में अपील हाई कोर्ट को होगी, ठीक है। दूसरी सबसेक्शन कहती है कि एवरी अपील अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी हर्ड बाय ए बेंच ऑफ 2 जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। इंपॉर्टेंट है कि जो कुछ भी अपील हाई कोर्ट के द्वारा सुनी जाएगी वह कम से कम 2 जजों की बेंच के माध्यम से सुनी जाएगी, एंड शैल एज फार एज पॉसिबल बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। तो यहां पर एक लिमिटेशन पीरियड भी निर्धारित कर दी गई एज टू डिस्पोजिंग द केस, कि हाई कोर्ट के 2 जजों की, 2 न्यायाधीशों की पीठ यहां पर इस प्रकार के अपील को सुनेगी, साथ ही साथ 3 महीने के भीतर, 3 मंथ्स के अंदर इस प्रकार के केसेस का डिस्पोजल भी करेगी, एक्सेप्ट एज एफर्सेट, जैसा कि ऊपर मैंने आपसे आपको अभी डिक्टेट किया, नो अपील नो रिवीजन शैल लाय टू एनी कोर्ट फ्रॉम एनी जजमेंट सेंटेंस ऑर्डर इंक्लूडिंग एन इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर ऑफ ए स्पेशल कोर्ट। तो किसी भी अंतर्वर्ती आदेश, किसी आदेश, किसी निर्णय, किसी दंडादेश की कोई भी अपील, कोई भी रिवीजन किसी और न्यायालय को, किसी और कोर्ट को स्पेशल कोर्ट के द्वारा दिए हुए नहीं होगी, ठीक है। नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 370 ऑफ कोर्ट एन अपील शैल लाय टू हाई कोर्ट अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ द स्पेशल कोर्ट ग्रांटिंग और रिफ्यूजिंग बेल। अगर स्पेशल कोर्ट के द्वारा इस प्रकार की बेल को ग्रांट कर दिया गया, रिफ्यूज कर दिया गया, इनकी अपील भी हाई कोर्ट को ही होगी इररिस्पेक्टिव ऑफ सेक्शन 378 ऑफ सीआरपीसी, भले ही 378 में कुछ भी मेंशन किया गया हो, नॉन अपस्टैंडिंग क्लॉज जुड़ा हुआ है, ध्यान रखना। और अपील 30 दिवस के अंदर अंदर फाइल की जाएगी हाई कोर्ट के समक्ष, और यहां पर कंडोनेशन ऑफ डिले तो कंसिडर किया ही जाएगा, लेकिन किसी भी हाल में 90 डेज से ज्यादा का पीरियड नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान रखिए सेक्शन 21 के अंतर्गत। फर्दर इसमें कुछ मिसलेनियस प्रोविजन है, और मिसलेनियस प्रोविजन में आप सेक्शन नंबर 23 पढ़ेंगे, है ना, ये सारे प्रोविजन डिस्कस हो चुके हैं। 23 पावर ऑफ हाई कोर्ट टू मेक रूल, तो हाई कोर्ट में बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजट मेक सच रूल एज इट मे डीम नेसेसरी फॉर कैरिंग आउट द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट रिलेटिंग टू स्पेशल कोर्ट विद इन इट्स टेरिटरी। तो अपनी टेरिटरी में कोई भी हाई कोर्ट किसी स्पेशल कोर्ट को दिए जाने वाले ज्यूरिसडिक्शन को लेकर के, उसकी अधिकारिता को लेकर के, या स्पेशल कोर्ट से रिलेटेड किसी प्रकार की चीजों को लेकर के रूल मेकिंग पावर रखती हैं, ऐसा एनआईए एक्ट में धारा 23 में इनेबल किया गया हाई कोर्ट्स को, ठीक है, सिर्फ अपनी टेरिटरी में आने वाले स्पेशल कोर्ट्स के लिए। पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज, ये भी अब आप प्रोविजन, मैंने आपसे कहा भी था कि इस प्रकार के प्रोविजन आपको देखने को मिलेंगे, तो इस पर्टिकुलर एक्ट के अंतर्गत अगर किसी प्रकार की डिफिकल्टी होती है, कठिनाई होती है, तो उस पर्टिकुलर डिफिकल्टी को रिमूव करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट इस प्रकार के कदम उठा सकती है उन शंकाओं को दूर करने के लिए, ठीक है।
और 25 मेंशन करता है रूल मेकिंग पावर एक्सक्लूसिवली टू सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार को यहां पर अधिनियम बनाने के रूल सॉरी नियम बनाने की शक्ति दी गई है, रूल मेकिंग पावर दी गई है, और सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पर जो कुछ भी रूल फ्रेम आउट करेगी। ये प्रोविजन भी आप बहुत लगभग हर एक पर्टिकुलर मान लॉज में देखते हैं, जैसे ही रूल मेकिंग पावर दी गई, रूल बनाए गए, नियम बनाए गए, उन्हें अगर वो स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी गई है तो स्टेट लेजिस्लेचर में रखेगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी गई रूल मेकिंग पावर है तो यहां पर ये पार्लियामेंट के समक्ष इस प्रकार के चीजों को रखेगा, और वहां पर उसके संदर्भ में कुछ डिस्कशन होंगे, विचार विमर्श होंगे, और अगर एक मत होते हैं तो उन्हें पास किया जाएगा। इतना ही इस पर्टिकुलर एक्ट में शामिल किया गया है, इंक्लूड किया गया है। यहां पर एक लिस्ट आपको दी गई है जो 2019 के अमेंडमेंट के बाद यहां पर इंसर्ट किए गए हैं, जिनमें नए तौर पर आप देख सकते हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को भी इंक्लूड कर लिया गया है इस प्रकार के ऑफेंसेस के अंतर्गत। आईपीसी के अंतर्गत जो कुछ भी हाईली काउंटरफिटिंग ऑफ करेंसी नोट के तौर पर जो चीजें आप देखते हैं उनको भी यहां पर इंक्लूड कर लिया गया है। आईटी एक्ट की सेक्शन 60F को भी इंक्लूड कर दिया गया, जो साइबर टेररिज्म के बारे में बात करता है। हालांकि साइबर टेररिज्म को ये डिफाइन नहीं करते, लेकिन साइबर टेररिज्म को इंक्लूड कर रहे हैं। तो इन सब चीजों पर प्रश्न उठता है कि ये कुछ चूंकि इस पब्लिक ऑर्डर यानी लोक व्यवस्था बनाए रखना है ना, ये किसका एक्ट है? ये निश्चित रूप से शेड्यूल नंबर 7 में, अनुसूची नंबर 7 में, और लिस्ट किसकी? स्टेट लिस्ट, राज्य की सूची में का विषय माना जाता है, उसका सब्जेक्ट मैटर माना जाता है। फिर कोई भी ऐसी चीजें जो दोनों क्रिमिनल लॉ क्या है, क्रिमिनल लॉ दोनों का विषय है, चाहे वो यूनियन लिस्ट हो चाहे वो स्टेट लिस्ट हो, तो संघ सूची और राज्य सूची दोनों में आने वाला विषय है क्रिमिनल लॉ, राइट? तो यहां पर राज्य को भी पावर है और केंद्र को भी पावर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट ये है, दोनों के बीच संघर्ष कहां है? यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच संघर्ष कहां है? संघर्ष इस बात का है कि कुछ ऐसे मैटर हैं जो स्टेट गवर्नमेंट की ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत आते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट उन पर्टिकुलर चीजों को के संदर्भ में इन्वेस्टिगेशन करने की पावर रखती है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट इस रूप में वहां पर दखल कर रही है कि इस प्रकार की चीजें अगर नेशनल इंटरेस्ट को अफेक्ट करेंगी, अब ये नेशनल इंटरेस्ट या राष्ट्रीय हित क्या होगा इसको डिफाइन नहीं करते, तो ये इसका दायरा बहुत बड़ा हो जाता है। अब इसका दायरा कहीं ना कहीं सरकार की अपनी विवेकाधिकार या विवेकाधीन शक्ति पर भी निर्भर करता है, उसकी डिस्क्रिप्शन पावर पर भी निर्भर करता है। तो लड़ाई यहां पर है, झगड़ा यहां पर है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपको लड़ाई झगड़ों से मतलब नहीं है, आपको सिर्फ इस बात से ताल्लुकात रखना है कि आखिरकार आपके एग्जामिनेशन के लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती थी। जो चीजें हम लोगों ने आज डिस्कस की हैं, वी विल मेक अ पर्टिकुलर न्यू सेशन अगेन ऑन द यूट्यूब इटसेल्फ, that will share with you all of you, कि हम इस पर पूछे जाने वाले कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी कर सकें, उसका अभ्यास भी कर सकें, ठीक है? क्योंकि अभी हमने सिर्फ लॉ को समझा है, सिर्फ एक्ट के अंतर्गत दिए जाने वाले इंपॉर्टेंट चीजों को समझा है। बहुत शॉर्ट में आपको कहना हो तो आप क्या क्या चीजें इंक्लूड रखोगे, याद कर रखोगे, तो शॉर्ट टाइटल याद रखिए, एक्सटेंशन याद रखिए, क्योंकि एक्सटेंशन यहां पर इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं और होंगे ही। और अगला कमेंसमेंट याद रखिए, डेफिनेशन प्रोविजन में बहुत छोटी छोटी डेफिनेशन है, उनका सिर्फ टर्मिनोलॉजी याद रखिए, क्या प्रिस्क्राइब किया गया है, कहां कौन सेक्शन को रेफर कर रहा है, बहुत ईजी है। फर्दर आपको क्या ध्यान रखना है, फर्दर आपको ध्यान रखना है चूंकि एनआईए है तो एनआईए का कॉन्स्टिट्यूशन कौन करेगा, इनको पावर कौन देगा, इनको ज्यूरिसडिक्शन कौन प्रोवाइड करेगा, राइट? फर्दर अब ये इन्होंने इन्वेस्टिगेशन तो कर लिया, कहीं ना कहीं चार्जशीट पेश करेंगे नहीं करेंगे, तो स्पेशल कोर्ट का दर्जा दिया जाने वाला है किसको, कोर्ट ऑफ सेशंस को, तो स्पेशल कोर्ट्स का एस्टेब्लिशमेंट कौन कर रहा है, उनको पावर कौन कन्फर कर रहा है, राइट? उनकी उन पर सुपरिटेंडेंस पावर एसएनआईएस पर कौन करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन पावर किसके पास होगी, राइट? बहुत शॉर्ट में समझिए। और स्पेशल कोर्ट्स को दिया जाने वाला जो पावर है या ज्यूरिसडिक्शन है वो किस रूप में वेस्ट करेगा, किस प्रकार की शक्ति और अधिकारिता को ये एक्सरसाइज कर सकती है, राइट? फर्दर स्पेशल कोर्ट्स की इस प्रकार की पावर और ज्यूरिसडिक्शन के बाद अब उनके उनसे भी कोई व्यथित पर्सन है, विक्टिम पार्टी है, जो इस प्रकार के द्वारा दिए जाने जजमेंट ऑर्डर और सैंक्शन से व्यथित है, वो अपील करना चाहती है, कहां जाएगी? तो सेक्शन प्रोवाइड कर देगी, अपील में जाओ बेटा, कहां जाओगे, हाई कोर्ट में जाओ, ठीक है? हाई कोर्ट में अपील करनी है, एक निर्धारित समय है, उस निर्धारित समय में अपील फाइल करो, राइट? कंडोनेशन में डिले मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, सफिशियंट रीजन शो कीजिए, लेकिन 90 डेज से अधिक नहीं होना चाहिए, राइट? अब यहां पर एक्स्ट्रा में क्या पढ़ना है, एक्स्ट्रा में यह पढ़ना है कि जो एनआईएस की एजेंसीज के ऑफिसर्स हैं या जो पर्सन इन्हें असिस्ट करने हैं उनको क्या प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। हाँ, सेक्शन 17 और 18 यहां पर इंक्लूड कर दी गई है। धारा 17 कहती है कि हम विटनेसेस को प्रोटेक्ट करेंगे, आप आइए अपनी टेस्टिमनी दीजिए, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, राइट? इस प्रकार के कुछ प्रावधान है, अगर कोई इन्हें वायलेट करेगा तो हम सजा भी देंगे, राइट? 3 ईयर्स तक का इंप्रिजनमेंट या ₹1,000 तक का फाइन दिया जा सकता है, ऐसे याद रखें। फर्दर इधर ऑफिसर्स को भी प्रोटेक्शन दिया जा रहा है कि उनके खिलाफ किसी प्रकार का लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा अंटिल एंड अनलेस द प्रीवियस सैंक्शन हैज बीन टेकन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट्स इट, दिस इज द कंडीशन। अब क्या याद रखना है, रूल मेकिंग पावर याद रखिए, आपका एक्ट कंप्लीट होता है। थैंक यू टू ऑल कि आप सबने बहुत पेशेंस के साथ इस पर्टिकुलर सेशन को अटेंड किया, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबने बहुत ध्यान से इस पर्टिकुलर सेशन को अटेंड किया होगा, और मैं पूरी शुभकामनाएं देता हूं, आप अच्छा करें अपने जीवन में भी और अपने
एग्जामिनेशन में भी, राइट। तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ठीक उसी प्रकार से उद्यत रहिए, आत्मविश्वास से लबरेज रहिए। और मैं अंतिम में दुष्यंत कुमार साहब की इन पंक्तियों से इस सेशन को समाप्त करूंगा, ताकि आपका जो आत्मविश्वास है वो उसी रूप में लहराता रहे कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से अब कोई गंगा निकलनी चाहिए। शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए, हाथ लहराते हुए लाश चलनी चाहिए। तो मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। तो इस प्रणेता के साथ, इस प्रेरणा के साथ अपने अंदर की उस प्रज्वल अग्नि को जलाए रखें और अपने जीवन के इस लक्ष्य को प्राप्त करें। थैंक यू टू ऑल। थैंक यू टू ऑल।